नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेश राजोरा। जैसा कि आप सभी का द्वितीय दिवस में फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि नान का लोकोत्सव शुरू हो चुका है, होली के दूसरे दिन से ही यहां पर इसका प्रचलन शुरू हो जाता है, जिसमें कल पहला दिन था, आज द्वितीय दिवस है। और मैं आपको बता दूं कि अन्नपूर्णा नदी के तट पर यहाँ पर बसा छोटा सा कस्बा, जिसे हम सांगोद के नाम से जानते हैं, और जो कोटा जिले का एक छोटा सा ब्लॉक है सांगोद, जहाँ पर 5 दिवसीय प्रोग्राम होता है, जिसे हम नान लोकोत्सव के नाम से जानते हैं। जैसा कि आपको पता है, हमने कल आपको नान की सवारियाँ, स्वांग और उमराव के बारे में बताया था। आज उसी क्रम में हम आपको ले चलते हैं, यहाँ पर सांग भी आएंगे, उमराव भी आएंगे बन बन के, और यहाँ के आमजन से हम जानेंगे कि हमारा जो नान लोकोत्सव है, इसके पीछे क्या परंपरा है, और इसके बरने के पीछे ये पुरखों की जो अमर निशानी है, इसको किस नाम से जाना जाता है, इसका इस नाम क्यों दिया गया है, हमारा जो इतिहास है वो कितना पुराना है। देखते रहिए मेरे साथ सांगोद नान। अब इसी क्रम में हम मिलाने चाह रहे हैं हमारे शुभम जी से, जो हमारे साथ ही हैं। ये आपको कल के बारे में बताएंगे कि हमारे यहाँ पर कल का जो आयोजन था वो कैसा रहा। चलिए सुनते हैं शुभम जी से। नमस्कार, मैं हूँ शुभम सुमन हाड़ोती, न्यूज में आपके साथ। जैसा को आपको पता ही है कि एक साल कोरोना के कारण हमारा नान लोकोत्सव संपूर्ण नहीं हो पाया था। उसके एक साल बाद हमारे जो प्यारे बड़े भैया है लोकेश जी, राजोरा जी, इनकी थोड़ी तबीयत खराब भी थी, तो उसी उपलक्ष्य में मेरे को बोलने का मौका मिला। और आज हमारे डायरेक्टर साहब रवि जी राठौर और हमारे बड़े भैया लोकेश जी राजोरा के आशीर्वाद के स्वरूप आज मेरे में इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं आपके सामने आज बात कर पा रहा हूं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस जादुई नगरी सांगोद, जो माँ अन्नपूर्णा नदी के पावन तट पर बसी हुई है, इसमें 4-5 दिन का ये नान लोकोत्सव होता है, जिसके बारे में हम धीरे धीरे आपको सारी सूचनाएँ देते रहेंगे। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अभी 4 बजे से ही छतों पर पब्लिक और प्यारे प्यारे बच्चे आपके सामने, हमारे जो कैमरा मैन है शर्मा जी और हमारे विजय भैया, इन दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इनके कैमरा के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि कैसे छतों पर औरतें, बच्चे, बूढ़े सब नान के लोग देखने के लिए बैठे हुए हैं, और प्यारे प्यारे जो स्वरूप है आपके सामने दिखाए जाएंगे, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे हाड़ोती न्यूज़ के डायरेक्टर साहब रवि जी राठौर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और इनको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि इनके 51,000 का जो लक्ष्य जो अभी भी आगे का भी है, सॉरी, लेकिन 51,000 के लगभग हम पहुंच चुके हैं, और हम आशा करते हैं कि ये ऐसे ही अपने इस मेहनत का फल इनको ऐसे ही मिलता रहे, और बने रहिए हमारे साथ हाड़ोती न्यूज़ में। मैं सुमन और हमारे बड़े भैया लोकेश जी राजोरा के साथ धीरे धीरे में आपके सवाल सूचनाएं दिखाते रहेंगे। हमारे कैमरामैन से निवेदन है कि जो यहाँ पे बच्चे बूढ़े वगैरह जो बैठे हुए हैं, कृपया इनको जूम करके आराम से दिखाएं, और कुछ ही समय पश्चात जो यहाँ पे सवारी स्टार्ट होगी तो उनके बारे में, जैसे अश्व पे निकलते प्यारे प्यारे बच्चे, स्वांग की रचना जैसे भी है, हम आपका सामने धीरे धीरे उपलक्ष्य में आपके सामने रखते जाएंगे। हमारे कैमरामैन से निवेदन है, कृपया आस पास की जो बाउंड्री में जो बच्चे बैठे हुए हैं, लेडीजें बैठी हुई है, जो सुबह 4 बजे से, सॉरी, मतलब शाम को 4 बजे से नान लोकोत्सव का लुप्त उठाने के लिए बैठे हुए हैं, हमारे प्यारे दर्शकों को दिखाया जाए, और बने रहिए हमारे साथ हाड़ोती न्यूज़ चैनल पर। तो आप सब क्या कहते हैं, राम राम, जय श्री राम। मोचो आपके साथ लोकेश राजोरा, और आज आपका टाइम हूँ हमारा जो इतिहास है नान वो का बारह मुँह आपका टाइम बताऊँ, जिनमें यहाँ पर जो 5 दिन को नान बरच है वो की तरीका से बरच है, और वह काय काय होती का बारह मुँह आपसे लोगों से चर्चा करूँगा, और वहाँ चर्चा में काय निकल सामना होती का बारह में अपन बात करेंगा। देखता रहो लाइव नान सांगोद। Yeah.
जय श्री राम। सांगो नान में एक बार ता से ब्याह को स्वागत है। जैसा कि तुम हमारे साथ देख रहे होगा, कैमरामैन रोहित शर्मा बता रहे थे ताई क लगभग दीवारा पर छतान पर इतनी भीड़ होगी, माँ बहने सुबह से यहाँ पर लागी थी, छोटा छोटा बच्चा का ताई लेर आप देख रहे होगा। कैमरामैन से मारो निवेदन चे एक बार माँ की जो पब्लिक यहाँ का दिखाओ कक्की तरीका से यहाँ पब्लिक आबा लाग जाओ छे। यो पांच दिन को ना आने भाई साहब, यहाँ यो मान लो आपका पब्लिक बावड़ी हुई रहे थे पांच दिन का लेकर, यहाँ जे भी आओ सब मनोरंजन के हिसाब से आओ छे। यहाँ सांग भी आओगा थोड़ी देर में माँ के यहाँ। यो मानो आपका अगर एक बार था आ गया ना तो पांच दिन तक जाबागी ताकि इच्छा न करेगी। यो ना आ इसे खेल तमाशो मत समझो, पुरखा की हमारी निशानी छे उसी पे ये काम कर रहे थे। और आज भी छोटा छोटा बच्चा यहाँ नान सवार ले ले रहा होगा, वहीं आप देख जो एक बार डाकने तो था ना देख ही लियोगी, भूत चुड़े ले भी था देख लीजिए थोड़ी देर में, और भी नया प्रकार का है सांग ले ले रहा है, देखता रहो। हमारे प्यारे बढ़िया बड़े भैया लोकेश जी राजोरा से मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगा और आशा करता हूँ ये उनका मेरे को जवाब देंगे। ये नान तमाशो मत समझो पुरखा की अमर निशानी से, जैसे आपकी उम्र है हमारे बड़े भैया हो तो आप भी हम पूछना चाहेंगे और जो हमारे दर्शक भी ये आपसे आशा रखते हैं कि इस बारे में वो आप बता पाएं, तो आप बताइए हमें कि नान तमाशो मत समझो पुरखा की अमर निशानी से इसका तात्पर्य क्या है। इसका तात्पर्य ये है शुभम जी कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग जो थे वो उस परंपरा से चलते हुए आ रहे हैं जिस परंपरा से या तो हमने देखी नहीं है या हमने उसको कहीं ना कहीं छोड़ दिया है। आज भी ये कहा जाता है कि यहाँ पर राजा महाराजाओं के यहाँ पर पहले कर्तव्य हुआ करते थे, उनको दिखाने के लिए दूर दराज से लोग आते थे। जब ये पता लगा कि यार सांगोद में ऐसी ऐसी कला करते हैं या ऐसे ऐसे कर्तव्य होते हैं ऐसे ऐसे जादू दिखाए जाते हैं तो क्यों ना सांगोद में इसको नान का प्रचलन वहाँ से शुरू हुआ है। ये सांगोद जो है सांगा जी के नाम से जानी जाती है, इसके पीछे काफ़ी पुराना इतिहास है, इतना तो मैं भी नहीं जानता हूँ क्योंकि मैं भी नई उम्र का ही हूँ, लेकिन फिर भी जहाँ तक लगता है कि ये बहुत काफ़ी पुराना है और इसके पीछे ऐसी कुछ परंपराएं हैं जिन्हें हम जानने की कोशिश करेंगे लोगों द्वारा। तो हमारे साथ बने रहिए सांगोद लाइव नान में आरती न्यूज के साथ, धन्यवाद। जैसा कि हमारे बड़े भैया लोकेश जी राजौरा ने आपके सामने जो नान समाज को मसम जो पुरखा की अमर निशानी के बारे में थोड़ी भी जानकारी दी, ऐसी जानकारी हम पब्लिक से भी लेंगे। और हम आपको बताना चाहते हैं कि कोटा से 60 किलोमीटर दूर जादुई नगरी सांगोद में जिस पांच दिवसीय नान लोकोत्सव की कौन कौन सी कलाएं होती है, क्या जादू इस आपको हम बताना चाहेंगे कि सांगोद को एक जादुई नगरी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर जो जन्म लेता है उसमें कुछ ना कुछ खूबी होती है। और ये हम नहीं कहते, हमारे दर्शक कहते हैं, हमारे जो यहाँ पर माता बहनें बैठी आप इनसे पूछ ये बोलेंगे, इतिहास गवाह है कि सांगोद एक जादुई नगरी है और मैं भी इसी जादुई नगरी से जन्मा हूँ और मैं खुद को बहुत समझता हूँ कि इसी जादुई नगरी में मेरा जन्म हुआ। बने भैया हमारे साथ ये लो भाई साहब, जहाँ को मैं डर जो वही हो रही हो, अब डाकने वो शुरू होगी धीरे धीरे। माँ का जो दर्शक थे ना जो देख रहा है तासी करो, पापड़े ले लो, कुरकुरा ले लो, मूंगफली ले लो और बेड पर जार भर जाओ मोबाइल चला रहे क्योंकि ताकि सामना पानी की बोतल भी ले लो लाना और ये छोटा सा फोन में पूरा 3 से 4 घंटा को जो सांगोद को ना ताकि पास रख दो माने लार आराम से था देखता रहो, कोई दिक्कत को ना कोई जल्दीबाजी को ना। और ये देख लो ये आ गया यहाँ से कच जरपटा देवाड़ा, ये जे कोई का दे ले ना यहाँ के ऊपर जूम करो, ये जरपटा देवाड़ा जे यहाँ की अगर कोई दे ले तो उठर पानी ना मांग। ये देख लो ये बच्चा ही डराओ रात में, काल तो ताई डागने बताई थी मैंने, ये वहां की बहनी अच्छा चुड़े लिया ये भी आ गई। अरे हिंदी साड़ो थी पर मु भी आ रही छू, ये माँ कभी दे सके देखो, अरे माँ भी बुरा ना माना क्योंकि ये 5 दिवसीय स्नान लोकोत्सव का कोई भी बुरा नहीं मानता है। और धीरे धीरे ये चालू भी हो गया। हाँ। लोकेश जी
दोड़ो चालू है। आज का दिन सब बातें भूल जाओ, हो सके आपने भी मल दे तो मल दे, कोई दिक्कत वाली बात को ना, क्योंकि नहाना चाहिए इमें कोई को बुरो ना मानो। सभी माता बहनिया चाह अपनी ये जे भी बन बना रह रही है, ये भी कहीं कहीं ला गई चाह अपनी, तो यहाँ पर बुरो ना मानो, ये जी का दे दे लिया बदियो। थोड़ी देर में तक तैमु जादू भी बताऊंगा यहाँ, जब भी दर्शक देख रहे वहाँ से हमारा निवेदन च थोड़ी देर में यहाँ जादू भी होगो, तो वहीं भी तो आराम से देख जो जा बाकी कतई जरूरत को ना कहाँ भी ये लो तान अंग्रेज तो खाली टीवी में या फिर रटी उटी देखा होगा, आज मुँह तक लाइव दिखाऊँ लाइव यहाँ ये लो अंग्रेज दो लो चार चना जोर गरम बाबू में लाया मजेदार चना जोर गरम ऊपर चले रेल का भैया नीचे हवाई जहाज चना जोर गरम आला आला गरम मसाला रात को डाला सुबह निकाला चना जोर गरम बाबू में लाया मजेदार चना जोर गरम। अरे ता बेच का ही रहा जी तो ये चना बेच रहे चना कितना कितना खरीद दिया वो पूरे नान में जितनी भी पब्लिक है ना ये सभी खरीदते है और बड़े स्वादिष्ट चने लगते हैं। चना बेच रहा चुता हाँ तो दियो अपना जितना भी मेहमान छे सेवा के चना बाटो अगले बार नहीं मैं पिछले साल आ गया। ओ ये वही डाकने थे जो मम्मी डराओ थी बचपन में भाई साहब, ये बहुत डाकने हैं। ये आ गई कैमरामैन से निवेदन से क्या ये डाकने थे यहाँ से निवेदन से कैमरामैन से क्या फोकस रखानो, ये काल भी बड़ का पेड़ पर पीपल पर पीपल का पेड़ पर बटी थी आज ही आगे नीचे ही हाँ धीरा धीरा चलो देखा माता बने से पूछा चाहे डाकने जाने नहीं जाने ये जे भी हरी चीजें आगा का क्रम मुताबिक लेर चाल रचू नान की दूसरी कड़ी में जहाँ पर छोटा छोटा बच्चा मुंडा कताई बांध रहा है
और आज का दिन जितना भी मास्टर लोग पढ़ाओ चे स्कूल में वह दबर रहे यहाँ सु क्योंकि ये मुंडा पैक पैक कर रहा हो और ये बदलो भी ले सके चे। तो मास्टर से मारो निवेदन चे का मुंडो देख देख कर बच्चा के ताई जब भी मारे तो आराम से मारो नान चे यहाँ बदलो ले ले चाहिए। आड़ोती न्यूज के साथ साथ मु पुलिस प्रशासन के ताई भी धन्यवाद देबो चाहूं छू। अब कैमरामैन से मारो निवेदन च कैमरामैन से मारो निवेदन च कि जमा की भीड़ च ना ये भीड़ के ताई एक बार बताओ कि भाई यहाँ कितनी भीड़ होगी होगी आज। ये आ गया झाड़ू देवाला। कैमरामैन से निवेदन च कोई यहाँ पर फोकस रखा ना। हाँ हेलो 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 पहले तो ताका नाम बताओ माँ का दर्शक कहाँ का तैता नाम कहीं से नाम न बता सका। अच्छा नाम मत बताओ नाम मत बताओ नाम कोई न बताओगे। अच्छा ये बताओ मेरा नाम दीपक सोनी। अच्छा जेता यहाँ लोग आकर देखे ये कब पहुँचे काय कारण चाहिए आज देवाओं को ना ये माँ को मकसद केवल सवारी के लिए भीड़ और अटापा को जो अच्छा कोई आकर ताई घायल करवा को कौन है जो अच्छा। यो पीढ़िया से चाल तैयार हो सांग जो कोई आकर ताई मतलब कोई हानि न पहुँचा हुआ मनोरंजन को सांग जो ऊपर की पब्लिक देख रहा सच है। तो मतलब मुझे समझो कि ये जे भी पब्लिक आस पास रहते हैं अटापा को काम आप जैसे राजा मैं लाग रहा होगा ना वहाँ ता तो एक नंबर जम रहा चाहिए यार। इसके पीछे हम ये मैसेज देना चाहते हैं बीच में मत आने तो कुचल दिए जाओगे। कुचल उचल नहीं मेन टारगेट इसमें ज्यादातर हमारे जान पहचान वाले दोस्त रहते अच्छा। हैं बस वो है तो मुझे जान पहचान चुता से जैसे हम मास्टर वास्टर मारते स्कूल में तो वहाँ कभी सुविधा वहाँ का तो मास्टर वहाँ तक कॉलेज में जा। अच्छा टीचर तो कॉलेज में भी तो मास्टर रहते तो देखियो आपने ये भीड़ आके ताटाबा को काम कर रहा और कहीं को ना ता देख रहा होगा आस पास इतनी भीड़ हो रही है जेके ताई कवर करवा कान यहाँ एक ना हो पली तो था देखो लायो हमारे साथ। ओ ये बेबी कहाँ से आई ये बेबी पर फोकस करो। हेलो कैमरामैन से निवेदन है इस पे आप कितने साल हो हम पैदा हुए जब से देख रहे इसके लगो यहाँ है तो डर लग चे यार वही अच्छा आपने एक चैनल चाल चे तो मैं सवाल करूँ जो आप अम्मा बोल रहे ना ना बोला अम्मा तो ना बोला अम्मा सर मारी चे अच्छा बड़ा सा आया हुआ चे आपना मेहमान चे
ये भाई साहब मिर्जापुर का चे काय नाम से था को कन्हैया लाल कन्हैया लाल जी मैं बताओ नान खसियो लागियो बड़ा लाल कैसा हाल से देख रहा छो असी आए अब तक मिर्जापुर में जार काय खागा वहां का गांव लासो नान का बारा में बड़ा बड़ा बड़े काय खागा सांग बदे नान बड़ा बड़े बड़ा पर छो अच्छा अगर मान लो कान का मैसेज देनो होता कि यहां का मन क्या कहता है तो का मैसेज दे फोन पकड़ दे फोन पे भेज दे मैसेज काय फोन पे भेज दे मैसेज फोन की सुविधा होनी चाहो फोन पर भेज देंगे मैं तो वीडियो ठीक है सर ताकि आप तो नान भरे थे यार बड़ा भरे मिर्जापुर में नान भरे थे 7 तारीख को आ रही जाए खेल में दिन में भी भरोगो श्याम की रात को नाइट में वहाँ सांग भी आओ और एक किन्नर भी आओ जो वहाँ और वहाँ माता जी को चढ़गा चार बजे सवारी निकलती है और सवारी बहुत बढ़िया निकलती है मिर्जापुर यहाँ ना बतायो कि यहाँ का बाजू नान बरच है वो मिर्जापुर में भी बरच है वहाँ भी ऐसी कैसी परंपरा ऐसी प्रथा चाल रही है तो माँ देख बा जाऊँगा एक बार फिर ये आ गया देवाड़ा ये देवाड़ा के मारा सा था कौन अब देखा भाई साहब से पूछा जा एक बार फिर ये भाई साहब का था नान देखता कितना साल हो गया और ये नान से अपनी का मैसेज दे भाई साहब से जाना जा ये नान बहुत पुराना है सांगोत का ऐतिहासिक है जी। इसमें राजा रजवाड़ान की सबकी मान्यता है हमारे पास प्रमाण पत्र है और हमें बहुत खुशी की बात है कि पूर्वजों से चला हुआ नान सांगोत का आ रहा है तो मैं यूँ बताऊँ कि जैसे यहाँ पहले की जो परंपरा थी अपनी और अबार की जो परंपरा है वहाँ दो में कितनों का अंतर आयो पहले तो क्या है कि जैसे मान लो लाइट की व्यवस्था डीजे की व्यवस्था नहीं थी अब इसमें डीजे वगैरह लाइट वगैरह बहुत लुकिंग बढ़ा है इसका बहुत उत्सव बढ़ा है बच्चों में सब में तो बहुत आनंद मंगल से बहुत बढ़िया नान निकल रहा है तो ये ऐसे बढ़ता रहेगा इसी परंपरा के साथ आगे भी हाँ ये शुरू से लगा हो रहा है बच्चों के सबके तो ये हमेशा चलता रहेगा धन्यवाद भाई साहब ने बतायो कि यह जो परंपरा है यह काफ़ी पुरानी है अरे चाल रही है यह ऐसे चलती रहेगी जैसे जैसे नया युवक होगा वह अलग अलग जोश के साथ इन नानी बरबा की कोशिश करेगा लेकिन परंपरा और प्रथा वही रहेगी माँ के साथ एक गुरुदेव भी जुड़ गया लाइन पर गुरुदेव माँ का जो दर्शन कर रहा थी पर यूट्यूब चैनल पर जितना भी दर्शक थे ये जान पूछा रहे थे आपसे तो अपना नान की परंपरा कहीं आपका धन्यवाद मुझे बोलने का वक्त मौका दिया कि जैसे हम जानते हैं कि सांगोत का नान ऐतिहासिक रूप से एक जादुई नगरी भी कहलाता है भारत के बड़े बड़े जादूगर यहाँ आकर कई बार हार मान कर गए हैं और ये माँ ब्रह्माणी का प्रताप है कि यहाँ दूर दराज से बिना निमंत्रण पर लोगों की एक अहम भीड़ जुड़ जाती है 500 साल पुराना ये परंपरागत नान जिसमें हर वर्ग के व्यक्ति बड़ी रुचि से भाग लेते हैं हर व्यक्ति इसमें पूरी अहम भूमिका निभाते हैं क्योंकि ये सांगोत की परंपरा बहुत ही लंबी चली रही है बादशाह की सवारी निकलना राजशाही जो स्वांग निकलना और उसके साथ साथ उमराव ये एक प्रकार से एक पारंपरिक परंपरा को बढ़ावा देते हैं और दिन ब दिन नहान लोकोत्सव सांगोत का महत्व बढ़ता जा रहा है और पूर्ण रूप से सभी लोग इतनी सारी भीड़ में भी शांतिपूर्ण तरीके से सहयोग करते हुए एक दूसरे का साथ देते हैं और ये पारंपरिक 500 साल पुरानी परंपरा है जिसे आगे भी बढ़ाते चल रहे हैं और इसका महत्व दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव ने बताया हो कि यो जो नान है यो काफ़ी पुरानो है और एक जो इतिहास है वो भी काफ़ी पुरानो रह चुके हो आप भी जानवा की कोशिश करे थे लोगों से लेकिन वह चीज़ समझ में ना रही कि भाई नान के पास जो कारण रहो वो कहीं भाई किस तरीका से यहाँ पर दो पक्ष होया खड़ा अलग बनया और बाजार अलग बनया उसका बारे में भी अपन जानवा की कोशिश करेंगा बना रहो हमारे साथ लोकेश राजोरा लाइव एंकरिंग शुभम सुमन के साथ आसी कड़ी में अपने भाई साहब के पास आ गया भाई साहब मन में बताओ का के साल से आप नान देख रहे थे 45 साल की उम्र होगी 45 साल तो देख रहे थे नान और बराबर नान का पटाल जा नान को निशान मैं ही ले रहा हूँ जा मैं का अगला बड़ा ले रहा था मर गया मैं वहाँ का अगला 3 पीढ़ी से मैं लेता था हो रहा है ध्यान से सुन लीजियो काल जो मना आप ही निशान बताए जो ये भाई साहब वो निशान ही ले रहा हूँ और ये ना यहाँ का जो पिताजी था वहाँ का जो पिताजी था मतलब यह
खुरखा की निशानी च मतलब तीन पीढ़ियां तो होगी भाई सबका ताई देखता हुआ अब यहाँ से जाना चाह का भाई ये जो खाडो पक्ष च और बाजार पक्ष च यहाँ दोया में कहीं मतभेद हो न हो पांच दिन का लेगा कसो कहीं रूप से चाल चाहिए ये नान की टकरार के हिसाब से एक से बढ़ एक नान सांग शुरू लावा का लेकर गाँव का दो बाघ रह पलो पक्ष बाजार को आओ बाद गुस्से गिन पक्ष खाडा को आओ तेज चौथ को बाजार को भरोजे पांच की पड़त भरोजे छठा सातों को खाडा को भरोजे यह परंपरा ठेठ से होती हुई आ रही है पहले एक ही बुरा आओ पर दो या ना जब तो दो ही बुरा मरे चार दिन के लिए अलग अलग हो जाओ खाडा और बाजार मतलब मैं समझू का दो दिन लड़की दो दिन लड़का ला यही समझू तो फिर मन में बताओ कि जो सांग ले ले रहा हो तो यहाँ का पाच काय कारण अच्छा जो आकर्षक करे जे आज मैं कहता दिखाओ जे भाई परंपरा अत्यार जे पहले दूध चांदना चांदी मदरा मदरी साटे का सांग ये सारा सांग नान के लेगा आस दस साल पहले को जो नान चो रबार को जो नान चो वो मकान का यार चिंतित होते आ रहे थे ना भाई नया छोरा हो गया पहले बूढ़ा राज में ले रहा हो जाए जो एक दो पांच सांग आओ जाए आज के टाइम की पांच पचास सांग आओ जाए सो एक अमराव आओ जाए आगे प्रवेश भी हो रही है नान में कमी थोड़ी आ रही है तो मतलब जैसे जैसे अपनी जनरेशन बढ़ेगी आगे तो वो नान का तय धीरे धीरे चेंज करता हुआ निकल जाऊंगा तो मुझे को बचार चुका है आपनी परंपरा तो न दबगी ना हां परंपरा न दब परंपरा नान समाजो मत समझो पुरखा की अमर निशानी जे इम दो बाया की सगा बाया किसी बल दीजे तलवार नंगला जाओ तलवार पूरी होगी तो दूसरा बाया नखाट बताए जावा इम गणी कुर्बानी लागे जे नान में यो नान नु को ना यो राजा महाराजा की टाइम से जीते यो नान जे बहुत बहुत पहले ज्यादा मतलब जादू नगरी जो मतलब ज्यादा ज्यादा जादू करतब ज्यादा चपली अब कम कम हो जा करतब जादू नगरी तो जादू नगरी तो बोले किसी या तो पीटे छोड़ के अगला बड़ा जो कमी थोड़ी थे वो जादू नगरी को दिखा रहे तो जैसा कि आपने देखी भाई साहब ने बतायो अपनी कई पुरखा की निशानी च और ये कम से कम 500 से 6 साल ओबा माया और आज भी वही प्रचलन च और वही सिद्धांत आप ही हो आज खड़ रो हो सके छे नई पीढ़ी जो आई छे अपनी वो नई पीढ़ी वहाँ का हिसाब से स्वरूप या जो भी वो लाओ छे वो ला सके लेकिन जो परंपरा छे वह तो पुरानी रहेगी पालकी पारो जो भाई सो पालकी पे आओ छे मातेश्वरी को जो निशान आ रो छे वो हाथ मारो छे आज हाथ में आ रो छे जो परंपरा पुरानी जो परंपरा चाल जम रहा हो जो बराबर हम रहो आए रह छे परंपरा में जो कमी थोड़ी आओगी कते भी कमी ना हो परंपरा में परंपरा तो जो आई जी बड़ी हुई वो परंपरा के अलावा और नया अलंग स्वांग दिखा बगले का मल रहा है आज की टाइम की नई पीढ़ी के अंदर तो देखिए आपने सांग जो छे वह अपना ताई इंटरटेनमेंट मनोरंजन का कारण छे लेकिन यह सांग में भी अपनी कान का मैसेज मिले छे अगर अपनी गौर से देखा गौर से सुनाया कि बता तो अपनी में कान का मैसेज जरूर मिले छे धन्यवाद भाई सबका ताई एक बार पेड़ से यह देखो ये डाकणिया ये खाल तो नीम का पेड़ बड़गद का पेड़ पीपल का पेड़ पची आज कैमरा मैन से मारो निवेदन छे यहाँ कहते फोकस कर बताओ ताकि छोरा छोरी डरे ना देख लो ता ये छे डाकणिया ये आ गई ये यहाँ की बाणिया छे डाकणर साठण्या आई करो एक बार सार आई ये डाकणर साठण्या छे दोनी बाणिया छे आगे की डाकणर पाछे की साठण्या चाल बाजो ये 6 6 4 6 4 हेलो हस्ती मजाक सांग कितने साल से बन रहे हो आप पांच साल से था ये सांग बन रहे थे यह सांग है पागल का हमारा ये पागल पूरी दुनिया ही पागल छे कोई भक्ति में पागल छे कोई पिसा में पागल छे मनान में पागल छे पागल जा देखो भाई मां पागल छे ए मां पुपाड़ा में पागल छे पागल दा कदा किसे भी मल सके छे तो यहां पागला ही देखता रहो यो ड्रोन से था कहते हैं पूरा सांगोत को लाए बता देगा आज मां देख लो तो सांगोत की जनसंख्या वहां का गर्भी है क्या अब इसे ज्यादा कहीं लेगा यार आदियोगी कहते हैं आज तो यो ड्रोन कहीं दे दो गलती कर दी मान तुम्हें देर पागल है देख लिया दीवार थोड़ी देर हटे आओ देख लो और ये पागल देगा हाँ ये अच्छा पागल अरे ये बचपन को गेम लिया है सत्तू आपने कल चा आज की पीढ़ी तो ये जाने ही ना आज की पीढ़ी तो भूल गया सतु लाई ओ दड़ी मार दू चढ़ो खल रहे थे भाई ये तो क्योंकि बचपन मान भी गणो खलो ये गेम दड़ी मार दू चढ़ो पुपा जी को पूछ लो
सास तो ले कर रहे थे भाईला ये सतुल खल रहे भाईला और वो मास्टर समझा भाई चो को पढ़ लो बाटी से क्या नो ना तो कान का जाओगो वो मास्टर कहता कि जी जी कसम था मजो आओगे जो मास्टर भी लागो अब काय को देश का भविष्य को आ दो बेड़ा गरक तो है ना कर दियो पुपड़ा पुपड़ा आ चुके हैं यहाँ पर पुलिस प्रशासन को यहाँ पर एक बार फिर से धन्यवाद क्योंकि पांच दिन का लेके अपनी जितनों कोऑपरेट करे ना अतनों तो कोई भी ना करे क्योंकि दोनों पक्ष में एक तो लड़ाई नो बाधे और आपस में भाईचारा का रूप में यह अपने साथ काम करे थे आपसे एक विशेष निवेदन जमा रो कि सांगोत के आसपास अगर तक कोई भी गोमाता सी दिख जे बीमार छ या कोई एक्सीडेंट हो रहे हो तो आप माँ से संपर्क कर सके छे कृष्ण दरबार सेवा संस्थान सांगोत जिमा अपन गाया को उपचार करा चा और पानी की सेवा करा चा अगर माँ आपके ताई ऑफिस हाँ माँ अपनो आपनो ऑफिस से सांगोद में गांधी चौराया पर अगर माँ तालो लागो मिले तो आप माँ से संपर्क कर सके जे बालाजी ट्रेडर्स बाजार वहाँ भी अगर ताकत है ना मिले कोई भी वैसे वहाँ मिल जाओगा दुकान खुली रह जा अगर फिर भी ना मिले वहाँ कोई भी तो फिर सामने ही गांधी चौराया पर बालाजी इंटरप्राइजेज का नाम से दुकान छ आप वहाँ जा संपर्क कर सके जे लेकिन गौ माता कहते हैं बचावो जरूरी छे बोलो राधे राधे शुभम सर जहां कहीं भी है नीचे आए शुभम सर जहां कहीं भी है नीचे आए शुभम जी अब माँ के साथ आ गया माँ के साथ धीरे धीरे जुड़ता ही जा रहा है मनक अब मैं यहां से पूछूंगा नान का बारा में दो शब्द बताओ गलो बैठ गयो भाई साहब अरे हाल तो मैंने पूछे कौन है गलो के साथ बैठ गयो अदरक और गुड़ और काली मिर्चा यहाँ को सेवन करो जाओ भाई साहब को तो गलो बैठ गयो शुभम जी जहाँ कहीं भी नीचे आए था बताओ नान का बारह में दो शब्द कान का ही वो तो सुन लेगा वो तो बता देगा भाग रहे तो रहे बताओ ना कान का ही वो जादू बता रहे उठी वो हाल ना बता रहे बेटा आपने तो पहले जादू यो दिखाओगे का बाद ही जादू बताओगे वो शुभम जी जहाँ कहीं भी है नीचे आए शुभम जी यहाँ को पर फोकस करो भाई साहब कैमरामैन से निवेदन चे कि जे भी खड़ रहे थे ना यहाँ को पर फोकस रखानो शुभम शुभम डागने बहुत ना तो था ना गणी देख ली अब आगे चला पागल भी देख लेता ना अरे कहाँ आया देखा अरे पूछ बात दोनों भाई साहब देखा कहाँ आ गया अरे काय को सांग चे माई भी तो बताओ तक बारह में हम फिटिंग है फिटिंग करने वाला हूँ फिटिंग करो जमानो फिटिंग से ही चाड़ो तो फिटिंग फिटिंग करो हम अहमदाबाद से सामान लाया हूँ अहमदाबाद के टूटी है अहमदाबाद से पाइप लाया हूँ बुरेपुर हो जाएगा अहमदाबाद की टूटी अहमदाबाद को पाइप अभी भाई साहब सुनो क्या कह लाया अहमदाबाद अहमदाबाद से टूटी लाया हूँ अहमदाबाद से ये लाया हूँ अरे भाभी जी पटाखो पाचक भाभी जी पटाखो पटाखा हमारा इन 20 की मोटर है ओ पटाखो 20 की मोटर वाह वाह जिसमें
चार इंच पानी मलता है इसको पूरा पूरा। अच्छा दो इंच तो ना ये यू करे तेरे बाबू जी का किस चीज तो कर ले जाना था बोले जा तू तो बोले जाओ चल पा दियो भाई रेट बढ़िया दे दे चना। हां ठीक है चलो चल पा दियो यो नान च यहाँ काय भी हो सके छे यहाँ टूटिया भी जुड़ रही छे और प्लम्बर भी आ रहे छे तो धीरे धीरे यहाँ सभी आओगा यहाँ का लेकर रोड कम पड़ गया अब एक गराड़ा में पसर रहा छे देख लो ता ये पट्टा दे वाला कह यहाँ सुन या लो अब आपने साथ छे सतीश जी भाई साहब यहाँ का चाला मत लाग जो ये आडा पड़ पड़ रहे थे ना। हाँ गलती सभी अगर यहाँ ना खा चर मल दी ना तो नानी और मम्मी दोनों ही याद आ जाएगी। अरे यार एक कैमरा ला मैं मरवाओगा वो करे जो वहाँ के पास जाओ वो तो पली फसर एक दूसरा की टांगिया कांच रहा चे यार दादा भाई हमारा लड़ दो होगा काहे यहाँ से काहे पूछा उचता वो तो पली लड़ लड़ मर रहा चे। ओ तेरी यहाँ तो जगह ही ना मिल रही ये तो गरेड़ा में फसर रहा चे अभी से कहीं काहे का था बताओ यो चे नान सांगो को नान इसे कच भाई साहब आडा पड़ गया रोड़ा पर बचर गया यो चे नान है ना ओ कैमरा मैं नोटिस इशारा करूँ जो भाई साहब यहाँ के पास जा रहा तू लड़ दो आओगे का दादा भाई वहाँ का तो गरालो कम पड़ रही हो जो वो मान रहे वहाँ मैं कहाँ फंसाओगे यहाँ पुलिस प्रशासन से निवेदन जता दूर अड़ जाओ इतना कभी मल सके पुलिस वाला भाई साहब अड़ जाओ वहाँ सुमत पुलिस वाला से निवेदन करके थोड़ी दूर हटा जाओ यहाँ का मल दही है गुस्सा हम हाँ पीसा का लेकर क्या लो ये चुड़ैल चर वो की बहने साटने से चाल बा दो अरे भाई जी और बारे रे यो कौन आयो हो हफ्ता देखो थोड़ी देर में गाड़िया हाँ ये आज की जनरेशन च ये भाई जी मैं गाड़िया काट रही ये भी बाप यू कहने का मारो बेटो मार दोस्त की नहीं च लंका लाग जाएगी देख लियो ताश दस बार कदी तब बाप बाप ही रहो ये वजह से बाप कदी भी भाई लागी नहीं मत रो ना तो लंका लगा देगा था कि देख लियो टी जाग लो नान तमाशो मत समझो या पुरका की निशानी चे ये पर दो शब्द भाई साहब बताओगा अपनी हेलो आज की जनरेशन की बात कर लू जे भी हाँ हेलो मैं भी तो करवा
आखी सांगोत बरोतो पर कुटी का कोण असू चालत वटी का कोण ते सारी डोगरी की माई जोत रे की डोगरा ना माने सो अशो बडो टील दा को की औलाद जा गाड़ी न जाग रो मुखा जाओ मादर जोत तक आगे फंगे खटी पलटा मार तो हाल थे अरे तेरे का खेबी कहीं आज मोटा से बाड़े के तू तो पर मैं भारतीय गुजी ना की सांगोत ने बता दे के बालक जुगु मु अरे का कलब ले तेरी जगह आगे अरे डोगरी कने कराऊगी मारो बे डोगरी कैमरा मैन से निवेदन है इन पे फोकस सेट रखें आई भी अगले साल कराओगी अगले साल पक्को करा लेगी तो अरे छोरा अरे ले लागे मारो उठे इधर पाती स्क्रीन पर तो उठे पाती अरे ओ आदिवासी भी आ गया पहले तो डागने आए जी साठ नहीं आए जी अभी आदिवासी भी आ गया ये कोई को शिकार कर देगा कैमरामैन से निवेदन चकमा का दर्शक है बचा रखान जी आसू ना तो तीर छोड़ देगा ना सीधा कुछ जगह ड्यूटी ओ कैमरामैन कैमरामैन से निवेदन चाहिए तीरा को ध्यान रख जाए दर्शक गुजिया ओ चला देखो तो भाया ओए ओए शिकारी करोगे तो हाथ ये लो फ्री करेगा ये फ्री करेगा आज मारता है ये आदिवासी चाहिए आदिवासी देख लियो नता ना तो टीविया में देख क्या होगा ट्रैक्टर भी आ गया आपको हेलो ऐसा देवी होगी अब तो हो आप तो कहीं ना कट रहे हो वो लुगाई मांग रहे हो या ना फिर आप आ लिया ओहो या और भाई इन तो चोरी फल कर दी भगवान जामनो आगे जामनो देख लियो ए दर्शकों जामनो भी देख लियो ए कैमरामैन जामनो बताए कि जामनो हाँ जामनो बताए फोकस कर यो जामनो जा रु चूड़े भी आओगी थोड़ी देर में कैमरामैन से निवेदन से थोड़ा टी फोकस करो मां क्या डी भाई साहब मां का साथ ही अब भाई साहब से अपन पूरी नान की परंपरा समझेगा भाई ई नान की परंपरा काई छे और यो कदेक से बर्यो छे नान तो बरसों से बरता रहा है और 40 साल तो मेरे दादाजी बादशाह बने 45 साल मेरे पिताजी बादशाह बने अब गत वर्ष से मेरा बेटा बादशाह बन रहा है वो नान अनवरत जारी रहेगा क्योंकि हमारे खून में रंगा हुआ है तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि बादशाह बनने के पीछे का रीजन क्या है आमा का दर्शक भी ये जान पूछा रहे थे भाई जो बादशाह बनना चाहिए का पीछे काय कारण थे बादशाह जी कशा रहे थे ये अकबर बादशाह के जमाने में कोई यहाँ के मोमडन थे वो वहाँ नौकरी करते थे जो जब उनकी पेंशन हुई तब उन्होंने बादशाह ने पूछा भाई तुम्हारी आखिर इच्छा क्या है तो उन्होंने बोला कि मैं भी आपकी तरह वहाँ पर बादशाह बनना चाहता हूँ मेरे गाँव में तो जब से ये परंपरा चालू हो रही है और आज तक अनवरत जारी है ओ चिल्लाई बे बड़ो क्या बात ओहो भाई साहब ओ सांगो तनान मैं पॉसिबल छे बाकी तो ता गन टीवी चला रे फिल्मा देखो तो फिर नाटक देखो कसोटी जिंदगी की उतरन कुमकुम्बा के
या फिर आप देखो सब बढ़िया चेक कम से कम 3 घंटा था मोबाइल एयरपोर्ट और इस सांगोद को जो नान जन जादुई नगरी एक बारह आप जानो एक को इतिहास का है बारह मोह तक बता रही भाई साहब पल पल की खबर देर जो मुँह तक देख लो था कैमरा मैन नहीं होते फोकस सेट रखाणो हाँ बस दर्शक परेशान नहीं जाओ अपना अनुपमा में भी अपनो मजो ना आवे चतनो नण मारियो छे हट जाओ ये मल भी सके जबार फुल जोश मचे सादे होगी भाई सादे होगी आप जो नान लाया जो खाए कुछ ये जो अपने शादी युवा में जो भाई अपनी बहन को मायरा पहनाने आता है उसको परेशान लाया गया है ये तो मतलब मायरो सेठ ना भाभी जी कहाँ सासू जी ये रहा ओ सासू जी निकल गया नाथ रहा जी ससरा जी ये खड़ा ससरा जी ससरा जी से भाभी जी ये भाभी जी से अरे भाई साहब ये बड़ा प्यारा भाभी जी से यार देखो था ना जामनो यहाँ पर जो भाई साहब ने और मुसालो जा रही जिम बाजे जो सारा ही जितना भी देख रहे थे सब जिम बाओ ये मुसाली से सारा ही है ये नाचे थे मुसाली से कैमरा मैन से निवेदन जब मुसाले पर फोकस रखानो बिल्कुल बिल्कुल मैं जिम बात हो जाऊंगा ना हाँ जितना भी देख रहे भाई जिम बात जानो मुसाला को नू तो जब भाई साहब नू तो बताओ जिम खानो आयो बरमाणी बाजार की बरमाणी जी ना वहाँ पर आपको जिम बा बिल्कुल धन्यवाद सब आनो थे जिम बा भाभी जी बड़ा गोरा यार कहाँ से लाया अपना चुबा ले ओए होए भाई साहब आपका नाम क्या है मेरे दर्शकों को आपका नाम बताओ नाम क्या है आपका रानी कपूर आपको कैसा लगा सांगोद में बहुत अच्छा लगा ये हमारे मेहमान हैं इनको सांगोद में आके बड़ो मजा लड़के बहुत आरामी है इधर के वो तो खराब शुरू से ही थे वो मैं बता रहे लड़के बहुत आरामी बहुत खराब बेटा यहाँ सब बच्चा रो लड़कानों तक जिंदगी खराब हो जाएगी ये जुल्फा मत लटको यार आगे समझा क्या कहते हैं समझो भाई बताओ भाई साहब पैर कहीं लेगा ये जुल्फा में यही छोड़ो जुल्फा में कहीं ना दे रहे हो जहाँ पड़ जाएगी ये समझ ही नहीं रहा समझो अमराव आ गया भाई लाडा लाडा आ गया छोटा छोटा लाडा भारत माता आ गई आप मारा भाई से जानेगा अपन कहीं यहाँ को जो नान पर रही है एक बार साहब बड़ी सेक्सी लाग रही थी बार तो लुगाई हवा यू कर गिजे मैं माँ का मेहमान से किन्नर से पर वह यू कर गिजे तक यहाँ का चोरा खराब था चोरा रह गए से तो बाल खुला करवा की छाती पटक रही थे शर्म ना हरी तो चोरा कहीं करेगा हाँ कैमरामैन से निवेदन छे माँ का जो छोटा छोटा प्यारा प्यारा सा बच्चा जो छे ना यहाँ ये जो घोड़े यहाँ पर बैठे छे यहाँ बताओ ओ काजल दीदी आगी काजल दीदी से दो सवाल करेगा हटी करो कैमरो हाँ जी सब कुछ जय श्री कृष्णा राधे राधे मैं राधे राधे काजल दीदी हमें बताइए काजल दीदी कि आप यहाँ कितने सालों से आ रहे हैं मैं यहाँ से 20 सालों से आ रही हूँ यहाँ पे ये हमारी परंपरा है हमारी कुलदेवी है हमारी कुलदेवी है अपने यहाँ पे नाण में नाण साल में एक बार नान पड़ता होली के बाद होली के दूसरे दिन बाद
है ना, और हमें बहुत खुशी होती है यहाँ पे आने में, और हमें ऐसा लगता है कि हमारा परिवार मिला है हमें। अच्छा काजल दीदी, मुझे बताइए कि यहाँ की जो आमजन है वो आपको 5 दिन के लिए परेशान करते ही नहीं करते? आपकी जो टीम आती है, हमारे जो मेहमान आते हैं, उनको बात सुनो, हमें ऐसा कुछ भी लगता है, हमें परेशान करती है, ऐसा लगता है कि हमारा परिवार है ये, हमें बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। जय हिंद जय भारत। में काजल किन्नर कोटा से। राधे राधे। बहुत अच्छा काजल दीदी ने बताया कि यहाँ की पब्लिक हमें परेशान नहीं करती और हमारा परिवार है। सही है, ये भी हमारे साथ हमारे पूरे विश्वास के लिए विश्वास से यहाँ पर आते हैं, तो हमें भी इनके ऊपर पूरा विश्वास रखना चाहिए। और देखते रहिए सांगोड नान लाइव एंकरिंग लोकेश राजौरा के साथ। अरे मारी बात सुनो, सांगो तो नान कसो लाग रहे हो? बढ़िया शानदार लाग रहे हो, बहुत बढ़िया। कान का मैसेज दे गांव बाजार नान सांगो नान सारी दुनिया परिचित है ना? अब आरदा था ना कसो नान सांग बढ़िया लागो, बहुत बढ़िया कसो सांग बढ़िया लागो आरदा। अरे जो आपने बहुत बढ़िया लाग रहे हो, सांग सांग सारे बढ़िया लाग रहे हो, आए मजा आ रहे हो ना, फुल एंटरटेन हो जाओ, फुल मजो ले लो, बहुत बहुत बढ़िया सारो मजो ताई ले लो, फिर गांव बाजार बम फोड़ दीजो भाई साहब, ता यहाँ बटिया जाता ना, यहाँ काई कर लियो, सांगो चलता ना तो मजा आ जातो। पागल आगे मारा साता को ना, ये पागल ना मटेरियल। पागले पागली पागल जो दुनिया में, मैंने आप ही बतायो ना। काय बोलेगा आ जाओ नान का बारा में का तो बताओ, जगचा मामला था एक बार, जगचा मामला था भाई साहब, अभी करो। कैमरामैन से निवेदन इधर करें, कैमरामैन 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 पहले तो भाई साहब साइड मार जाओ जरा, थोड़ा सा थोड़ा बोलो को कान का मार। पहले तो तारा नाम बता, आपने दर्शक कहाँ कहता है नाम का है? तारो लविस। लविस कहाँ से? मुझ सांगोसु। सांगोसु लविस, मैंने बता का तय कुछ सांग बड़े अजवाल ताई मैं याल दे डाकन को सांग बड़े जगचा मामलो छोरा कहता है तो डाकनी पसंद आई जे और तो पसंद ना है ना कोई भी ना यो पे जगचा मामलो जगचा मामलो जगचा मामलो यहाँ भाई साहब से भी पूछा जा नान का बारे में बताओ, दो शब्द में कदर से कहा जाता है? नान खड़ा नान अखाड़ा और नान खड़ा दोनों हमारे पारंपरिक सांग होत के ऐतिहासिक नान है, जादू नगरी है, ये बहुत ऐतिहासिक नान है, इसमें कई कर्तव्य दिखाते हैं, कई स्वांग निकलते हैं और अच्छे से इसको सारी भारत जानते हैं, भले राजस्थान जानते हैं, भारत जानते हैं इसको। नान हमारी परंपरा है, ये कोई ये कोई वो स्वांग वांग ऐसी प्रकार का नहीं है, ऐतिहासिक जादू नगरी है। जय हिंद जय भारत। भाई साहब ने कदी का जादुई नगरी सांगोर में तस ब्याह को स्वागत है, और सही से बात यार गन्न काई कर रहे जो यहाँ आओ, यहाँ जम रहे जो माहौल तो आज जग जम हम लोग चाल रहे बार थोड़ी देर के लेके नया नया मेहमान आ से मलाऊ दिलता हमारे बढ़ जाओ, हाल तो चालू ही नो या यो मान लो तन देखे नो घसे से मेहमान आ रहे चाल तो अपना। ये भाई लख भाई साहब मैं यहीं से हूँ भैया, मारी बात सुनो, हमारा दर्शक है बताओ का नान का बारा में कसो में से भैया। ये नान बहुत ही फेमस है इस, और यहाँ पर बहुत ही मजा आता है, मतलब बहुत पब्लिक रहती है भैया, बहुत ही ज्यादा इसका आनंद लेने के लिए बाहर से लोग आते हैं और यहाँ पर ये नान का आनंद का मजा लेते हैं, और
इसके बारे में जितनी मतलब कही जाए उतनी कम है। आल दाई ताकत है किसो सांग बढ़िया लगे हो मेरे को, हर एक बढ़िया लगता है, हर एक बढ़िया लगता है। फिर आपने जो दर्शक देख रहे थे वहाँ कई मैसेज देंगे, जो आप दर्शक देख रहे थे टीवी में एक कौन ना जा रो क्या वहाँ कई मैसेज देंगा नान का बारा में। अब उनको यार मैं क्या बताऊँ, ऐसा तो क्या बताओ यार, देख रहे उनको नान के बारे में बताओ कि भाई आओ तुम भी देखो नान। हाँ वही है, इनसे भी वही विनती है कि आप भी आओ भैया, वीडियो वीडियो तो बाद में होती रहेगी, वीडियो वीडियो तो बाद में होती रहेगी, नान का मजा लो आनंद लो, ठीक है भैया धन्यवाद। ओ अंगूरी अंगूरी मतलब दारू, हाँ आप ता देखो भाई माहौल जमा मिलो जाने पैर सांगो का चोरा खिसा कर रहेगा आज का दिन यार, समझ में ना आ रही। ओए होए हल्का जवाब बन जाऊंगी, आप बताओ कहा ये सीरियल देखो मत नो मजो चका जब तो यही देख रहे था प्राइवेट फिल्म आज सब पंच सांग ओद मा पूरी पब्लिक मा कहीं यही च यू मान लो था कि जैसे यहाँ शूटिंग चल रही थी मूवी की। युवा दिला की धड़कना ही यही चाह तो कैमरा मैन से निवेदन च फुल फोकस रखो माँ का जितना भी दर्शक थे खुश हो जाओ। कैमरा मैन से निवेदन है फोकस 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 हमारे साथ गुरुजी जुड़ चुके हैं। गुरुजी तो मन यू बताओ तो आपना जो दर्शक देख रहे थे वही या कंफ्यूजन में चे कि यारो सांगोद में कहीं हो रही है तो वहाँ कहीं मैसेज दिया सांगोद को जो नान से जो 500 साल पुराना नान से यो और हर साल एक से बड़ा एक सवार बड़ा नान में करा था और खेल था अंग्रेज जो कार्यक्रम है उसे जो नान रंग को न समझा यो जादू टोना या जादू अपना कर्तव्य बतावा का आदम मैं यो नान करा था। जैसे हाँ मु आपसे पूछ पचार जो गुरुदेव आज से 10 साल 20 साल पहले को जो नान चो और अबार को जो नान कर रुचे ये मैं थोड़ो को फर्क आयो का फर्क तो छे नहीं मैं पहले का जो 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 कार्यकर्ता था जो जादूगर था जाके पास जो कला थी वह तो आप रीक होने लेकिन जाके पास छे तो वो पहले का जो कार्यक्रम था जो कर जा वहीं भी मातदेव वाली कला आज भी मौजूद है और इतनी वजह से इन सांगों दी एक बंगाल जो सेकंड बंगाल का नाम से जादूगरी का नाम से जादूगर का की नगरी का नाम से जाने जाओ साहब। अच्छा जैसे आपने जो पब्लिक देख रही थे सांगोद के आम जन से उनका बाना नान का बारा में कई मैसेज दे सका मैसेज तो यो तो जैसे जो नुहार से जो यो हमेशा जो परिपाटी बड़ी आई हुई से परंपरा बन रही है या चलती रहे और निम कोई लड़ाई झगड़ा या ऐसा की नौबत ना हो कि जिसे संगत को नाम बदनाम हो। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव यहाँ ना बतायो कि नान जो है वो काफ़ी पुरानो है और एक इतिहास भी काफ़ी पुरानो रहो है। अब मुँह ताकत लेट चालो चु सीधो खटी खटी कैमरा मैन से निवेदन है सीधो फोकस रखानो अपना कर्तव्य। हाँ ले जाओ हमारा दर्शकों के जूम कर कर बताओ यहाँ का नान का बारा में यो जो जादू रुचो ना भाई साहब वो तक गौर कर देख जो यहाँ पर यो मानो जो रोहित शेट्टी की तक फिल्म देखा था ना वो भी फल जा तो सीधो ताकत यही मुँह बताबो चारी जो सीधो सीधो देखो आप यो ले लो काड़ो कपड़ो अरे भाई साहब बता रहे थे कत खाली छे बता देख रहे छो ना हाँ देखता रहो एक
माता जी को आशीर्वाद समझो। एक विशेष सूचना पेड़ दे दूं, सांगोद का आसपास अगरता करते कोई भी गाय बीमार हो या उसकी एक्सीडेंट दुर्घटना होगी हो तो ता कसन दरबार सेवा संस्थान सांगोद मार और एक बार माँ से संपर्क कर सकते ओको उपचार माँ निःशुल्क कराचा। माँ को पतो चे गांधी चौराया सांगोद कसन दरबार ऑफिस, अगर वहाँ कोई ना मिला आपसे तो आप जाओ बालाजी ट्रेडर्स पर जो महात्मा गांधी स्कूल की गली में चे, वहाँ भी अगर कोई ना मिला आप ही वैसे वहाँ मिल जाओ तो कोई भी वहाँ पर जो भी बैठे रहे आदमी तो वहाँ से संपर्क कर सकते चे, और अगर वहाँ भी ना मिला तो बालाजी इंटरप्राइजेज चे गांधी चौराया पर आप वहाँ जाओ तो गाय की आप मदद करेंगा क्योंकि गाय हमारी माता चर यहीं बचाव बहुत जरूरी चे। हंसते रहो मुस्कुराते रहो और घर के आस पास साफ सफाई रखो और हमारे साथ देखता रहो नान। काला कपड़ा मां तो सता देख रहा छे रवि भैया चाल बाजो ताक पास दोनों कैमरा लाग रहा छे सामने की सवारियां सामना में होगी। एक आदमी भाई साहब ने रस्सी पकड़ ली और या मुन्नी बदनाम भी आएगी तो ये तो जाबा दो हाल थोड़ी देर कर लेकर रस्सी पर फोकस रखाणो या रस्सी गला में लटकाई भाई साहब ने और डमरू की गड़गड़ाहट में भाई साहब ने स्यापी भी पहन ली और साथ का साथ था यहाँ का जो मेहमान जो भी था देखता रहो या रस्सी गला में से काट दोनों आता हम ले ली भाई साहब ने। और आप देख रहे थे हमारे साथ कर रस्सी दोनों आडी से भाई भाई वहाँ पकड़ ली दो जना ने और बीच में गर्दन से भाई साहब की ता देख रहे थे हमारे साथ जूम कर बता जो और ये जादू यो जो सांगोद को लोकोत्सव ना आने का बारह में चर्चा कर जो आपसे और या धोनी को खाच या लो भाई साहब यो थे जादू यो थे जादू है ना जट को खा गया ना एक बार में ही। अब आप देख रहे हो तुम्हारे साथ का एक हाथ में तो स्यापी लेमल जे भाई साहब ने दोनों आईडी सो कोट पकड़ लिया और आप देख पा रहे हो तुम्हारी लेरा लेरा यह ड्रोन की शूटिंग चल रही है। कैमरामैन रोहित शर्मा के साथ आप देख रहे हो तुम्हारी लेरा जो कनाडा को भाई लो यो शानदार भाई लो छे एडिटिंग वेडिटिंग बढ़िया कर ले जा कैमरामैन में पूरा फोकस रखा से कनाडा से जे दूसरो शुभम जो कि कनाडा हाँ यो कनाडा को छे रोहित शर्मा कनाडा से जो कैमरा मैन जमा को और एक शुभम से शुभम सुमन वो तो सभी जाने ही वो माँ का जो कैमरा मैन जमा सब बड़ा बड़ा तगड़ा से वो और जो ये लाइव तक पास आई जी और रवि राठौर का बहुत बहुत धन्यवाद। देखो आप ओहो यो छ जादू जादू भाई ड्रोन भाई साहब से मारो निवेदन छे जादू का पूरा फोकस रखाना ताकि माँ का दर्शक जो जादू देख रहे ना वो हाल है ना टीवी के सामने से मतलब टीवी मतलब मोबाइल मोबाइल के सामने से हाल है ना अशु ओहो स्यापी चारों को टामुआ ने चोरी कर ली तेले में से जाना का खाट रहे वो देखता रहो था अगर ता ने मिस कर दियो तो फिर ता ओहो अतनो बढ़िया
जादू ना देख पाऊंगा। इस सांगोद में संभव जे ये टीवी में कहीं देखा जाता ये टी देखो सीधा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओहो हो या लो वो पाँख भी दिया दोनों हाथों से लुटा दिया माना। ड्रोन सिस्टम के साथ आप देख रहे हैं लाइव सांगोद 2024 नान लोक उत्सव जादुई नगरी सांगोद में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ लोकेश राजोरा। आप देख रहे हैं मेरे साथ 2024 जो सांगोद कोटा जिले का छोटा सा कस्बा जिसे सांगोद के नाम से जाना जाता है, अन्नपूर्णा नदी के तट पर बसा सांगोद, जहां पर ये 5 दिवसीय लोकोत्सव शुभारंभ हो चुका है। आज इसका द्वितीय दिन है जिसमें आप लोगों को अच्छे अच्छे कर्तव्य, अरे अभी तो बहुत कुछ बाकी है, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कैमरामैन के साथ। आप देखेंगे कि जैसे रात का जो नान था वो हमने आपको बताया नहीं क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही थी, इस वजह से हम उसको दिखाना भूल गए आपको, लेकिन फिर भी कल का अवकाश रहेगा, उसके 29 का अवकाश रहेगा, 30 और 31 सुचारू रूप से फिर से शुरू होगा जो काड़े पक्ष का रहेगा। इसी तरह और इसी अंदाज में और इससे भी और ज़्यादा उत्साह के साथ आपको लोग देखने को मिलेंगे, सांग मिलेंगे और यहाँ तक कि आपको चालना चालने भी मिलेंगे, ऊँट पे और हाथी पे सवारें ले लेके आएंगे। आपने भी देखा नहीं है लेकिन आप देखिए हमारे कैमरामैन दोनों आपको दिखा रहे हैं कि एक तरफ तो जादू चल रहा है आपके सामने और एक तरफ कर्तव्य चल रहा है, तो ये सांगोद में ही पॉसिबल है ऐसा देख पाना। और हम देख रहे हैं करीब 4 से 5 साल हो गए हमें नान की लाइव एंकरिंग करते हुए और दिखाते हुए लाइव आपको, ताकि जाओ जहाँ आए जिस स्थिति में वहाँ पर आप सांगोद जो नान है उसका मनोरंजन ले सके, उसके बारे में इतिहास को आप जान सकें। आज करीब ये मानिए कि नान को देखने के लिए राजस्थान MP UP नहीं अपितु जो विदेश के लोग हैं वो भी यहाँ पर आते हैं और इस परंपरा को बखूबी तरीके से देखते हैं और उसको कैप्चर करके लोगों के सामने प्रकाशित करते हैं कि हम जहाँ पर गए थे राजस्थान के एक छोटे से जो कस्बा है सांगोद उसमें इस तरह की कला करते हैं। और ऐसा माना जाता है और देखा भी जाता है कि हमारा जो सांगोद है या हाड़ौती जो क्षेत्र है यहाँ पर कर्तव्य और जादू दिखाने में नंबर वन है। आपने जैसे सुना भी और देखा भी है, लोगों से हमने जब वार्तालाप की चर्चाएं की तो उसमें निकल के आया कि 500 साल में यहाँ पर कितना अच्छा नान भरा है और कितने अच्छे लोग यहाँ पर कोऑपरेट करते हैं। आप देखते रहिए मेरे साथ, अभी और भी सॉन्ग बाकी हैं जिन्हें हम देख रहे हैं धीरे धीरे। कैमरा में अगर शुभम मेरी बात सुन रहे हो तो शुभम जी नीचे आए। ये फिर से मेहमान आ गए हमारे, एक तरफ आपने देखा ड्रोन सिस्टम के साथ आपको दिखाया जा रहा है स्यापी जिसमें भाई साहब ने आग लगा रखी है। रवि जी राठौर अगर मेरी बात सुन पा रहे तो उनको बोले ड्रोन कैमरा जो है यथास्थिति पे रखें ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो उनका पूरा एंजॉय कर सकें। ड्रोन कैमरे की मदद से आप देख पा रहे हैं मेरे साथ, देखिए किस तरह यहाँ पर जादू कर्तव्य दिखाया जा रहा है लाइव बिल्कुल आपके सामने। इसमें कोई 19-20 या कोई झूठ नहीं है, जो पर्दा गिनने के बाद आपको टीवी में बताया जाता है पर्दे के पीछे कुछ और होता है, पर्दे के आगे कुछ और होता है, लेकिन हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। ये संभव है हाड़ौती न्यूज और सांगोद में जो अभी ये प्रोग्राम चल रहा है। और छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे जो आप हमारे कैमरे की सहायता से और मदद से देख रहे हैं इन्हें हम अमराव के नाम से जानते हैं, जो राजा जी की सवारी के साथ साथ ये चलते हैं। आप देख पा रहे हैं कितने प्यारे बच्चे हैं, बहुत ही मासूम। कैमरामैन से निवेदन है कि फोकस सेट रखें और इनको दिखाएं। पुलिस प्रशासन का यहाँ पर जितना धन्यवाद दिया जाए वो कम है क्योंकि 5 दिन के लिए जो पुलिस प्रशासन है यहाँ की वो बहुत कोऑपरेट करके चलती है।
तो यहाँ पर जितने भी पुलिस प्रशासन है उन सबको एक बार तय दिल से धन्यवाद। मुंह से धागा निकाल रहे हैं, लाइव देखिए आप, मुंह में से धागा निकाल रहे हैं, ये लाइव प्रोग्राम चल रहा है देखिए आप, और बोल रहे हैं कि खींचते रहिए। अब ये कितना लंबा जाता है आप देख पा रहे हैं मेरे साथ, मुंह से धागा निकल रहा है, मुंह से देखिए आप। ये अगर संभव है तो ये सिर्फ सांगोद में संभव है, 5 दिन के नान में, जिसे हम जादुई नगरी सांगोद के नाम से जानते हैं। दूसरे कैमरे में आपको हमारे मेहमानों के बारे में बताया जा रहा है, और हमारे जो छोटे छोटे स्वांग हैं वो भी निकल रहे हैं। पहला कैमरा, दूसरा कैमरा आपको हमने सामने ड्रोन की शूटिंग के माध्यम से आपको जो कर्तव्य है, जो दिखाया जा रहा है कर्तव्य, उस पर फोकस रखें। ड्रोन कैमरे की मदद से हम आपको बता रहे हैं कि मुंह से जो धागा निकल रहा है वो करीब, क्या बात है, ड्रोन वाले सर से निवेदन है कि वो इधर ही रखें इसको और हमारे दर्शकों को इसका आनंद लेने दें। बहुत ही बढ़िया, यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे साथ LR राजोरा, लाइव रिपोर्टिंग, आरओटी न्यूज। ड्रोन कैमरे की सहायता से धागे की करीब आधे किलोमीटर से ज़्यादा तो हो गया होगा, क्योंकि जिस स्पीड से वो खींच रहे हैं, पुलिस प्रशासन का यहाँ मैं बार बार धन्यवाद दे रहा हूँ, क्योंकि इन्हीं के सहयोग से सारा काम होता है। और हमारे बीच में आ चुके हैं बनवारी जी, बनवारी जी जो हमारे चौकी जी प्रभारी हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जिस लय से और जिस ताल से ये हमें कोऑपरेट करते हैं, हमारे नान को कोऑपरेट करते हैं, पुलिस प्रशासन पूरा का पूरा इसमें लगा हुआ है। आप देखिए कहीं भी हर नुक्कड़ पर चौराहे पर एक पुलिस वाले सर खड़े हुए हैं, जो इस नान को बखूबी भरने के लिए हमारे कदम से कदम और कंधे से कंधे मिलाकर हमारा साथ देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इनके ऊपर जो टीम काम कर रही है, इनके जो सीनियर सर हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उनकी जो व्यवस्था है वो एक नंबर है, ऐसे ही बनी रहे 4 से 5 दिन तक। और आप भी इस नान का एंजॉय लीजिए, मजे लीजिए, और यहाँ की जो परंपरा है उससे रूबरू होइए। देखते रहिए आरओटी न्यूज लाइव एंकरिंग लोकेश राजोरा के साथ। रवि राठौर से मेरा निवेदन है कि ड्रोन को यथास्थान पर रखें, ताकि जितने भी यहाँ पे जादू और कर्तव्य दिखाए जा रहे हैं, ड्रोन से जो जादू दिखाया जा रहा है उनसे मेरा निवेदन है कि वो जादू के ऊपर फोकस रखें। रवि राठौर, सांगो न्यूज एडिटर, आरओटी न्यूज के संवाददाता, रवि राठौर सांगो न्यूज एडिटर एवं संवाददाता से मेरा निवेदन है कि वो ड्रोन को यथास्थान पर रखें। वेरी गुड, थैंक यू टीम, बहुत बहुत धन्यवाद सांगोद आरओटी न्यूज की टीम को कि आपको ये पल पल की खबर और पल पल का जो यहाँ पर जो भी एक्टिविटी हो रही है वो आपके सामने रख रहे हैं। इसी आशा और उम्मीद के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। शुभम सुमन, रोहित शर्मा, गाना एड़ा, लव यू टू। रवि जी राठौर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, यही चीज जो हम एक साल के लिए इंतजार करते हैं, और लोगों का जो प्यार, लोगों का जो उत्साह आप देख रहे हैं ये इसी का कारण है, क्योंकि साल में ये 5 ही दिन है, होली के दूसरे दिन से इसका शुभारंभ होता है और बीच में एक दिन की पड़त रहती है जिसे हम छुट्टी। अब देखिए आप, बाऊजी जो है मुंह में कुछ खाने की कोशिश कर रहे हैं, और ड्रोन की सहायता से आप देख रहे हैं, ड्रोन की सहायता से आप देख रहे हैं। बहुत ही प्यारा यहाँ पर,
आप देखते रहिए मेरे साथ, मैं आता हूँ आफ्टर ब्रेक। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम को, वो बड़े उत्साह और प्यार और पूरी लगन से हमारे साथ लगे हुए हैं और एक पैर पे खड़े हुए हैं। ये देखिए मेरे साथ, ये क्या बात है, राजा जी के टाट बाट, राजा जी के टाट बाट इसको ही बोलते हैं। आप देख रहे हैं मेरे साथ राजा जी के टाट बाट, ओहो पान भीड़े चल रहे हैं राजा जी के। ये पूरा का पूरा दरबार है राजा का, जो हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, पहले से ही चलता था राजा जी का टाट बाट। ये पूरा ठाट बाट राजा जी का चल रहा है यहाँ पर, आप मेरे साथ देख रहे हैं कि किस तरह पहले के राजा महाराजा होते थे, उनका ठाट बाट ऐसे ही चलता था। हमारे बीच में आ चुके हैं महेंद्र गोचर, जो कृष्ण दरबार सेवा संस्थान सांगोद में चलता है, उनके सचिव हैं। ये राजा जी के ठाट बाट जो कि यहाँ पर चल रहा है, देखिए आप किस तरह से यहाँ पर क्या बात है, बादाम काजू पिस्ता अंगूर यहाँ पर चले हुए हैं। ये है ठाट बाट राजा जी के। यह है राजा महाराजा, जो पुराना कल्चर हम यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं आपको, आप देखिए। कैमरा मैन से मेरा निवेदन है, फोकस रखें और इन्हें दिखाएं। ये राजा जी हैं, क्या बात है, बड़े प्यार से यहाँ पर बादामे खिलाई जा रही है। राजा जी टाट बाट से बैठे हुए हैं और अब हम महेंद्र जी से जानना चाहेंगे, महेंद्र से हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो कृष्ण दरबार सेवा संस्थान का चलता है, कैमरामैन से मेरा निवेदन है वो जूम सेट करें। यहाँ पर क्या बात है, माहौल यहाँ का माहौल जमा हुआ है। रवि भैया, रवि जी राठौर, फोकस जूम, फोकस जूम। रवि जी राठौर,
शुभम 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 यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे साथ यहाँ का जो लोगों का उत्साह है, लोगों का जो प्यार है वो किस तरह से बरकरार है। आज भी 5 दिन का एक साल से इंतजार करते हैं 5 दिन के लिए। आज के दिन आपने देखा यहाँ पर सब पागल हैं, कोई प्यार में पागल है, कोई पैसे में पागल है, कोई भक्ति में पागल है, पर पागल हैं। और हमारे साथ सांगो से टीम जुड़ चुकी है, आइए हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि जो यहाँ का नान पड़ता है इसके पीछे क्या चलन है, क्या प्रचलन है और यहाँ की क्या परंपरा है। जी हार्दिक जी नंदवाना, हमें बताइए कि जो यहाँ का नान पड़ता है इसके पीछे की परंपरा क्या रही है, कितना पुराना इतिहास है। हमने भी हमारे पूर्वजों से सुना है कि लगभग 450 साल पुराने इतिहास है। यहाँ के लोग ये हर साल इस नान को होली के बाद मनाया जाता है, जो कि 5 दिवसीय कार्यक्रम होता है, जो कि 5 दिवसीय कार्यक्रम होता है। और ये सांगोद नगर जो है ये जादुई नगरी कहलाता है। यहाँ पे लोग अपनी अलग अलग तरीके की कलाएं दिखाते हैं। ये जो भी है दो पक्षों में बढ़ जाता है, एक पक्ष बाजार पक्ष होता है और एक खाड़ा पक्ष होता है। 2 दिन शुरू में बाजार पक्ष का नान होता है जिसमें हर तरह की कलाबाजियाँ लोगों द्वारा दिखाई जाती है, और जो अगले 2 दिन होते हैं बीच में एक पड़त होती है। पड़त के बाद 2 दिन का नान जो होता है वो खाड़ा पक्ष का होता है। खाड़ा पक्ष में भी लोग अलग अलग तरीके की कलाबाजियां दिखाकर इस नान में अपनी अपनी प्रस्तुतियां रखते हैं। तो देखा आपने, हमारे साथ नंदवाना जी थे, हार्दिक जी, जिन्होंने हमें बताया नान के बारे में। अब जानते हम महेंद्र सिंह, मैं महेंद्र गुजर से, यहाँ पर कृष्ण दरबार सेवा संस्थान का एक वो चलता है संस्थान, जिन्होंने सांगवाद में आज अपना नाम कमा रखा है। तो इनसे हम जानते हैं कि वो किन उद्देश्यों पर काम करती है। जो आपका काम करता है, किन उद्देश्यों के साथ काम कर रहा है? ये हमारा गौ सेवा का कार्य है, और अभी हाल ही में हमने एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है इधर गौ चिकित्सा के लिए। वहाँ पर हम जो घुमंतु जानवर होते हैं, जैसे गौ माता हो गई है, नंदी होते हैं, हम उनके वहाँ पर फर्स्ट एड इलाज करते हैं और लैप्रोटोमी वगैरह बहुत सारी चीज़ें जो हम अभी नई हाल ही में सांगोद में एक हमारा जो ग्रुप चल रहा है वो बहुत ही सक्रिय रूप से चल रहा है अभी। और बहुत बहुत धन्यवाद, ये डॉक्टर साहब हैं हमारे साथ, जिन्होंने बताया कि कृष्ण दरबार सेवा संस्थान गायों के साथ गायों के लिए काम करता है। और अभी सबसे बड़ी प्लानिंग कृष्ण दरबार की चल रही है गायों को सेफ एंड स्वच्छ एवं स्वस्थ रखने के लिए, यहाँ पर अस्पताल बनाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण दरबार टीम को कि उन्होंने एक अच्छी मुहिम को छेड़ रखा है, जो कि उन्हें उद्देश्यों के साथ काम करेंगे। हमारे साथ मेहमान आ चुके हैं, देखिए आप, आपका नाम क्या है? जैस्मिन, जैस्मिन, जैस्मिन। कहाँ से आप? हरियाणा से, दिल्ली। ये हमारे साथ मेहमान है हरियाणा के, ब्रिज में। अच्छा, ब्रिज में बताइए कि यहाँ जो आमजन है उसके बारे में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सब लोग बहुत अच्छे हैं और सब हमारा बहुत सपोर्ट करते हैं, और गुडविल, गुडविल, थैंक यू। इन्होंने बताया कि यहाँ के जो मेहमान हैं उनसे हमारा व्यवहार बहुत अच्छा रहता है, गुडविल, क्योंकि इन्हें भी पता है 5 दिन के लिए इनको इंतज़ार करना पड़ता है, और ये जो है एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हुए चलते हैं। चलिए हम आगे की बढ़ते हैं आगे। आजा, अरे जाओ 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 बेगा साहब, जाओ गन ना ले जाओ, जो कहता है शादी भी कर लीजिए उसे। आप कहाँ से सर? मैं सर धौलपुर से हूँ, धौलपुर जिला। भाई साहब देख रहे थे ना आप, धौलपुर से, कहाँ से? धौलपुर पर हुआ अपना राजस्थान का नक्शा में, धौलपुर दिखा चना, धौलपुर वहाँ से भाई साहब नाम कहे। मेरा नाम देवेश कुमार शर्मा। शर्मा जी हमें ये बताओ कि आपको नान कैसा लगा?
मुझे नाड़, जैसा कि हमने अपनी किताबों में पढ़ा है कि सांगोद का नाड़ प्रसिद्ध है, आज देखने का अवसर मिला है जो कि बहुत ही आनंद आ गया। हम सुबह से देख रहे हैं, जैसा कि बहुत ही शानदार रहा है। धौलपुर जाके क्या मैसेज दोगे? धौलपुर जाके यही मैसेज देंगे कि जो क्या बोलते हैं, यहाँ का नाड़ जो है यहाँ पर आए और यहाँ पर इसको और प्रोत्साहन मिले, जिससे कि हमारे भारत में नाड़ के बारे में लोगों को जुड़े, इससे और नए लोग जुड़े। बहुत अच्छा लगा यहाँ करके, शानदार मजा आया ना, फुल मजा लो। धौलपुर वालों को भी लगना चाहिए कि सही जगह गया हमारा भाई, ठीक है, एंजॉय आनंद। बोलो जय माता दी, जय श्री राम। देखते रहिए आड़ो तो न्यूज, लोकेश राजौरा के साथ लाइव एंकरिंग। के साथ आप मेरे साथ बने रहिए। ड्रोन कैमरे पर जो शुभम सुमन है उनसे मेरा निवेदन है, ड्रोन कैमरे को हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, जादू करतब हमारे दर्शकों को दिखाएं ड्रोन कैमरा फोकस। ड्रोन कैमरे की सहायता से आप देख पा रहे हैं, एक हाथ में गिलास है जो पूरा खाली है और आप देख रहे हैं दो दो ड्रोन से। ये जो ड्रोन चल रहा है नीचे, इसमें आप लाइव देख पा रहे हैं हमारे साथ, पानी का गिलास पूरा खाली है। अब ये दोनों शल्टों के बटन खोलकर और अपने सीने पर हाथ मारते हुए और हल्की की डीजे की धुन के साथ, ये करतब सांगोद में ही संभव है। अब आप देखिए पूरा गिलास खा लिए और निकल रहे हैं वापस, पेट से मुंह में से पानी पिया है और निकलने का दूसरा दरवाजा देखिए आप। भाई साहब इसको कहते हैं सांगो नान, ये यहीं संभव है। आप देख पा रहे हो मेरे साथ लाइव रिपोर्टिंग और लाइव नान लोकेश राजौरा के साथ। आरती न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद और पूरी टीम जो यथक प्रयास जो आपके सामने घर बैठे बैठे ढाई से तीन घंटे का पूरा प्रोग्राम आपको अपने मोबाइल में दिखा रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके बाद आप देख पा रहे हैं ड्रोन कैमरे की सहायता से, शुभम आवाज दो कैमरामैन आवाज। आप देख पा रहे हैं मेरे साथ कि किस तरह यहाँ पर फुल एंटरटेन के साथ सांगोद नान जो आपके सामने 2024 आपके मोबाइल पर है, आप देखिए हमारे जो टीम है उनका बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ। यहाँ पर शुभम, रोहित शर्मा गानाएड़ा और दो व्यक्ति और हैं, उनका मैं नाम नहीं जानता हूँ लेकिन उनका भी दिल से धन्यवाद। लाइव और जो पूरा सेटअप जिन्होंने जमाया, रवि जी राठौर उनका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए सांगोद नान 2024 लोकेश राजौरा के साथ। गुपचुप गुपचुप ये गाने का नाम है, अन्यथा ना लें। अब आप मेरे साथ देख रहे हैं कि बाबा कुछ ढूंढ रहे हैं। ये पब्लिक जो है आप देख पा रहे हो, पब्लिक जो है वो आज की मैं बताऊं करीब 15,000 से 20,000 पब्लिक है, उससे भी ज़्यादा हो सकती है और अनुमान आज सही है उससे ज़्यादा ही है, क्योंकि ये 5 दिन का लोक उत्सव यहाँ पर बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, जैसलमेर, बारा, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, उदयपुर, जोधपुर, भरतपुर, करौली, सब जगह से लोग आए हुए हैं और अपने अपने रिश्तेदारों के घर पर, अपने रिश्तेदारों की छतों पर बैठे हुए हैं और वहाँ से
नान का मजा ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं और आनंद की परम सीमा पर वो आज बैठे हुए हैं कि सांगोत वाकई जो हम पढ़ते थे, हमने जो पढ़ा है किताबों में, हमने जो देखा है यूट्यूब चैनलों पे, आज वो लाइव देख रहे हैं कि हाँ जो इनका कल्चर है, इनकी जो परंपरा है वो वाकई सही है और ये नान करीब 400 से 500 साल पुराना है। आप देख रहे हैं किस तरह यहाँ पर बहुत ही रवि भैया, रवि जी राठौर अगर कहीं हो, मुझे सुन पा रहे हो तो दो मिनट के लिए बाहर आए। रवि जी राठौर अगर मुझे सुन पा रहे हैं दो मिनट के लिए खिड़की पे आए। रवि जी राठौर शुभम जी बहुत अच्छा। बहुत ही अच्छा यहाँ पर प्रोग्राम। कृष्ण दरबार सेवा संस्थान की अगर मैं बात करूँ सांगोद में, संस्था है जो कि गौ सेवा, जल सेवा एवं असहाय गरीब बच्चों के लिए मदद करती है। उसका उद्गम जो है कोरोना के काल में हुआ था। 30 रुपए की चाय से हमने शुरुआत की थी जो कि आज अच्छे लेवल पे है और सांगोद में और सांगोद के आसपास जितने भी गाँव हैं या हमारे जो ज़िले हैं करीब 7-8-10-12 ज़िले से हैं जहाँ पर आज उसकी एक पहचान है। अगर कोई भी कहीं भी कोई भी गाय बीमार होती है या किसी तरह उसका एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना होती है, तो कृष्ण दरबार सेवा संस्थान में कॉल आता है और तुरंत उपचार के लिए जितनी भी टीम काम करती है उन सब टीम का यहाँ से मंच से उन सबका धन्यवाद तहे दिल से कि उनके सहयोग और उनके आशीर्वाद और सहयोग और साथ से हमने करीब अभी तक 150-200-250 अनुमान नहीं है कितनी गायों को आज हमने जीवन दान दे दिया है। ये आशीर्वाद है गौ माता और बाकी बिहारी जी का कि उन्होंने हमें सेवा के लिए चयन किया है और हम उनके बताए हुए मार्गदर्शन पर हम चल रहे हैं, हम आगे बढ़ते रहें। हमारा ऐसा प्रयास है, आप लोगों से हमारा साथ दीजिए और हमारा साथ बनाए रखिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मेरे साथ हाँ, अब शुरू हो चुका है आपके साथ। कैमरामैन ने आपको बता रखा है कि कैमरामैन से मेरा निवेदन है कि वो फोकस सेट रखें ताकि लोग जो भी आ रहे हैं या हमारे जो लाइव प्रोग्राम में जितने हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं वो देख पाएँ कि सांगोद का जो इतिहास है, इनका जो कल्चर है 5 दिवसीय, वो उनसे वो रूबरू हो सकें कि हम जो बताते हैं, हमने जो पढ़ा है वो उसमें 1% भी झूठ नहीं है। देखिए आप किस तरह यहाँ पर दिखाया जा रहा है आप लोगों को। गर्मी जो है वो भयंकर होती जा रही है, होली के बाद से गर्मी का असर दिखना शुरू हो गया है। आप लोगों से निवेदन है कि आप कहीं भी आप काम करते हो तो अपनी
सेहत का ध्यान रखें और पानी समय से पीते रहें, क्योंकि गर्मी आ चुकी है। नींबू पानी भी आप पीते रहें ताकि शरीर में पानी की कमी ना रहे। ग्लूकोज जरूरी है बॉडी में, डॉक्टर भी हमें बताता है कि कम से कम एक दिन में 5 लीटर पानी हमें पीना चाहिए, 5 से 10, ताकि बॉडी में पसीने के माध्यम से सारी चीज़ें बीमारियां दूर होती है। आप देख रहे हैं मेरे साथ सांगोद नान जादुई नगरी में, एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ एलआर राजोरा, जो कि आपको YouTube के माध्यम से सांगोद का पूरा प्रोग्राम मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। और हमारी जो टीम है, शुभम सुमन और रोहित शर्मा गानेड़ा, और उनके साथ दो व्यक्ति और है जो काम कर रहे हैं बहुत ही अच्छा। यहाँ पर जादू, वो हो जादू, आप देखिए जादू, आप मेरे साथ देख रहे हैं। आपको अगर सही रेट में एंगल या सीरिया लेना हो तो आयरन स्टोर पर जाएं, सांगोद गौतम आयरन स्टोर, आप वहाँ जाएं और एक बार संपर्क करें। गौतम आयरन स्टोर सांगोद आप सभी का नान लोकोत्सव में स्वागत करता है। बालाजी ट्रेडर्स एंड बालाजी प्रोविजन की तरफ से सांगोद नान अखाड़ा में लोकोत्सव में पधारे सभी गणमान्य सदस्यों का हार्दिक स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। बहुत ही अच्छा यहाँ पर प्रोग्राम आपको दिखाया जा रहा है कैमरे की मदद से और यूट्यूब के माध्यम से, आप देख पा रहे हैं इसे। आज मैंने बताया था कल शुभारंभ था इसका, और आज द्वितीय दिवस से आज सवारियाँ ज़्यादा रहेगी, और जो नान है इसकी जो परंपराएं वो भी काफ़ी पुरानी रही है, इतिहास जो इसका काफ़ी पुराना है, जैसा कि हमने लोगों से जाना और सुना है, हमने पढ़ा भी है। आप देख पा रहे हैं मेरे साथ दोनों कैमरे और ड्रोन आपको पूरी तरीके से पूरा नान कवरेज करके बता रहे हैं यहाँ पर। आप देखिए उत्साह लोगों में देखिए कि सुबह दिन की दो बजे से नान का शुभारंभ 4 बजे से होता है, लेकिन अपनी जगह रोकने के लिए छोटे छोटे बच्चों को लेके अपनी माता अपनी बहनें यहाँ पर आ चुकी है। महिलाओं की संख्या आप देखिए यहाँ पर छतों पर आके बैठ जाती है ताकि नान का मनोरंजन हो सके। डाकन माता आ गई है यहाँ पर, देखिए आप कि इनका जो उत्साह है वो आपको देखने को मिल रहा होगा। बच्चे जो हैं, अब ये स्थिति है कि महिलाओं की आप देखिए छोटे छोटे बच्चे अपनी गोदी में बिठा कर किस तरह से यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ का जो माहौल है, उनके बारे में वो बता रही हैं। और सब जगह आप देखिए पूरी जो यहाँ की, जहाँ तक हमारा कैमरा जा रहा है, हमारा ड्रोन जहाँ तक काम कर रहा है, आपको छतों पर करीब ये मानिए कि आज 25 से 30 हज़ार 40 हज़ार पब्लिक है सांगोद में। आप देखिए मेरे साथ ये हमारे साथ डाकन जो बड़ के पेल और पिपल के पेड़ पे पाई जाती थी, आज हमारे पास है। हमें बताइए आप कितने साल से डाकन बन रहे हैं? मैं 5 साल से डाकन बन रहा हूँ। ये जो आप सांग ला रहे हो डाकन का, इसके पीछे क्या इतिहास है, क्या परंपरा है? ये मेरे दादाजी लाते थे डाकन का सांग नान में, फिर मेरे पिताजी लाए, फिर मैं लाने लग गया। तो ये मतलब फुरकों से चल रहा है। तो आपने देखा ये पहले इनके पिताजी काम क्या करते थे, आज ये कर रहे हैं, आने वाले टाइम में इनके बच्चे करेंगे। मतलब कि हम कहीं से कहीं गलत नहीं है, ये जो पुरखों की निशानी है इसे हम सही मानते हैं, क्योंकि आज इसको 500 साल हो गए। आज इनके पहले इनके पिताजी थे, आज ये हैं, आने वाले टाइम में इनके बच्चे करेंगे, तो इनका जो इतिहास है वो ऐसे ही बढ़ता रहेगा और ऐसे ही चलता रहेगा। देखते रहिए सांगोद नान लाइव एंकरिंग LR राजोरा के साथ। देखते रहिए सांगोद नान। अब आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पर कि ऊपर हम जो यहाँ की लोक उत्सव है, उस लोक उत्सव को और भी मनोरंजन और यादगार बनाने के लिए एक
बम्बू की सहायता से और रस्सी की सहायता से इसमें चढ़ा जाएगा। ऊपर जाकर एक व्यक्ति बिल्कुल आड़ा लकड़ी पर आड़ा लेटकर उसके गोल गोल चक्कर लगाएंगे, वो देखने लायक दृश्य होगा। देखते रहिए मेरे साथ। आपने आज तक ऐसे प्रोग्राम रोहित शेट्टी या जितने भी फिल्में बनाते हैं आपने पर्दों के पीछे देखा होगा, आज हम आपको लाइव प्रोग्राम दिखा रहे हैं। अगर आपको हमारा चैनल पर दिखाया हुआ प्रोग्राम अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके बताएं, या आपको अगर किसी प्रकार की कमी लगती है तो हमें उसमें सुझाव दें ताकि हम उसे सुधारें। धन्यवाद। आड़ोती न्यूज सांगोद। दोनों तरफ से ही ड्रोन की मदद से आप वापस फिर से देखिए आप मेरे साथ कि ऊपर दो व्यक्ति ड्रोन और हमारी टीम की मदद से आप देख पा रहे हैं नान लोकोसो में जो इसको बखूबी तरीके से निभा रहे हैं और निभाते आ रहे हैं, वो एक दूसरे की सहायता से ऊपर जा चुके हैं। और क्या बात है, शुभारंभ यहाँ पर। आप ये देखिए, कैमरामैन से मेरा निवेदन है कि इन चीज़ों को दिखाते रहें ताकि हमारे जो हैं वो मिस ना करें। देखिए आप किस तरह यहाँ पर बहुत ही अच्छा यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है और आप देख पा रहे हैं मेरे साथ लाइव एंकरिंग में लोकेश राजोरा आपको पल पल की अपडेट में यहाँ पर दे रहा हूँ ड्रोन और कैमरों के माध्यम से। देखते रहिए मेरे साथ।
भी डांस कर रही है, आराम से उसको देख रहे हैं। हमारे दर्शकों को आपका नाम बताओ। मेरा नाम मेघा है। प्रियंका जी हमें बताइए, आप ये बताइए कि जब यहाँ आज 8 सालों से आती हूँ तो यहाँ के लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे यहाँ के लोग अच्छे हैं, इनको कोऑपरेट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखिए मेरे साथ किस तरह यहाँ पर लोग आते हैं, यहाँ पर मनोरंजन लेते हैं और मनोरंजन के साथ साथ यहाँ के जो लोग हैं वो इनसे बड़ा प्रेम करते हैं। ये एक आपसी तालमेल इनका और हमारा चलता रहता है और ऐसा चलना भी चाहिए। बहुत अच्छा है यहाँ प्रोग्राम, आप ड्रोन की मदद से देख रहे हैं यहाँ का करतब जादुई नगरी सांगोद में आपका स्वागत है। यहाँ के हमारे जो मेहमान हैं हम उनसे आपसे रूबरू करवा रहे हैं धीरे धीरे कि जब ये दूर से आते हैं तो यहाँ के लोगों के बारे में क्या सोचते हैं और इनको यहाँ आकर कैसा लगता है, यहाँ का जो 4 दिन का माहौल है 5 दिन का माहौल है उनमें ये किस तरह डलते हैं। काफ़ी ऐसे मेहमान हैं हमारे जो जिनको 5 साल 7 साल 10 10 साल हो गए आ जाते हुए। बहुत ही अच्छा यहाँ पर माहौल आप देख रहे हैं। लाइव रिपोर्टिंग है LR राजोरा जो कि आपको पल पल की खबर दे रहे हैं हम लोग। सांगो न्यूज एडिटर रवि राठौर का यहाँ पर बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि उन्होंने 3 से 4 घंटे का नान आपके फोन में लाके रख दिया है। आप जहाँ कहीं भी हैं अगर आप यहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं आप आइए और मनोरंजन यहाँ पर लीजिए आपके फोन से, YouTube के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर आपको किसी प्रकार की हमसे जानकारी साझा करनी है तो आप जाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। दोनों ओर से टीमें तैयार है अपना अपना कर्तव्य दिखाने के लिए। शुभम अगर मेरी बात सुन पा रहे हो, शुभम जी सुमन जहाँ कहीं भी हैं अगर हमारी बात सुन पा रहे हो, ये बारापाला की सवारी हमारा कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं रोहित जी शर्मा। ये यहाँ पर उत्सव द्वितीय दिवस का यहाँ पर समापन होता हुआ और इसके बाद थोड़ा कलाकृति करता था, इसके बाद आपको यहाँ पर बस्या जी की सवारी दिखाई जाएगी। इस तरह यहाँ पर बस्या जी बैठते हैं, ये दोनों पक्षों में बस्या जी निकलते हैं। आप देखिए मेरे साथ लाइव एंट्रिंग जय बोलो ब्रह्मणी माता की जय। नान बाजार अखाड़ा चौधरी पड़त संघो जिसका आज द्वितीय दिवस है, कल पड़त मतलब की छुट्टी रहेगी ताकि आने वाले टाइम में वो ये बता सके कि इनको तैयारी करने का मौका मिल जाता है एक दिन के लिए, वो बीच में छुट्टी होती है जिसमें खड़े वाले ब्रह्मणी की पूजा होती है, संगा जी की पूजा की जाती है, शुभारम्भ में आशीर्वाद लिया जाता है और उन्हीं के आशीर्वाद से ये सारा जो भी आप देख रहे हैं ये सब उन्हीं के आशीर्वाद से हो रहा है आज।
आप देखते रहिए मेरे साथ, और ड्रोन की मदद से आप देख पा रहे हो मेरे साथ उल्टा लेट के, करतब शुरू हो चुका है और जो कि दोनों हाथों में अग्नि को लेकर इस रस्सी के माध्यम बोल संकर आ रहे हैं। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था, ये वही गाना है जो आज से 10 साल 15 साल पहले बाजों के साथ निकलते थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं वो लुप्त हो ही नहीं है, लेकिन डीजे ने जो है उनका वो रुझान चेंज कर दिया है। आज के बच्चों को, आज के नए युवाओं को नए नए गाने पसंद आते हैं, और जो हमारे पुराने जो मेहमान थे वो इन्हीं गानों पर डांस किया करते थे। बोल संकर नगीना मेरा गम ग्यारे, लेकिन आज कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है कि ये जो गाने हैं यही हमारे नाम की निशानी है, और इन्हीं के बलबूते पे सारा नाम हुआ करता, लेकिन आज का जो गाने चलते हैं वो फिल्मी तक हम सीमित रह गए हैं, लेकिन कल्चर जो है हमारा वो कल्चर ही है जो आप अभी सुन रहे हैं, कि जो आज नान का बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे जो मेहमान हैं आप देख पा रहे हैं किस तरह वो यहाँ के लोगों को मनोरंजन करते हैं, ये एक परंपरा है, ये एक परंपरा है जिसे हम आपके बीच में रख रहे हैं और लोगों को तक हमने पहुँचा है। हमारा जो मैसेज है वो लोगों तक जा रहा है धीरे धीरे। बादशाह जी आने हैं, बादशाह जी निकल रहे हैं। ये आज जो लोक उत्सव नान है इसका आज अंतिम चरण है, क्योंकि दो दिन का बाजार का, दो दिन के खाड़े पक्ष का चलता है इसमें, तो आज बाजार का जो पक्ष है की सवारी निकल गई है हमारे सामने से, आप देख रहे हो मेरे साथ। कल जो है पड़त जिसे हम कहते हैं, पड़त का मतलब छुट्टी है कल की, उसके बाद 29 की पड़त रहती है यहाँ पर, 30 और 31 को हम सुचारू रूप से फिर से मिलेंगे। आप वहाँ तक हमारे साथ देखिए कि यहाँ का जो कर्तव्य है, बादशाह जी के बाद बादशाह जी सामने आ चुके हैं, अब बादशाह जी के सामने एक कर्तव्य दिखाएंगे, आप उस कर्तव्य का आनंद लीजिए। जाइए मत, देखते रहिए हाड़ोती न्यूज लाइव एंकरिंग लोकेश राजौरा के साथ। आप देख पा रहे हो मेरे साथ कि कैमरामैन से मेरा निवेदन है, कैमरामैन से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, पुलिस प्रशासन यहाँ पर लगा हुआ है, पुलिस प्रशासन ने अपनी बागडोर्स को संभाल रखा है, किस तरह देखिए आप व्यवस्था को उन्होंने पूरा कंट्रोल में लिया हुआ है यहाँ की पे। कैमरामैन से मेरा निवेदन है कि हमारे जो हैं जो कर्तव्य है यहाँ का वो दिखाएं लोगों को, किस तरह यहाँ का कर्तव्य होता है, क्या जिस तरह यहाँ का कर्तव्य है उस तरह देखिए। पूरी प्रशासन, पुलिस प्रशासन का यहाँ पर दिल से धन्यवाद कि उन्होंने भीड़ को कंट्रोल में किया हुआ है। अब आगे हम दिखाना जा रहे हैं आपको कि किस तरह यहाँ पर, अब कैमरामैन से मेरा निवेदन है कि जिधर से भाई साहब रिसेप्टिव आएंगे उधर उनको फोकस रखें, ताकि हमारे जितने भी दर्शक हैं वो हमारे नान को देख सके कि यहाँ की जो परंपरा है और जो 600-500 साल या 600 साल पुराना जो इतिहास है उसे हम वापस आज दोहरा रहे हैं। हर साल इसे हम दोहराते हैं और इसी तरह ही इसको दोहराते रहेंगे, हमारा जो कल्चर है वो किस तरह का है हमारे दर्शकों को दिखाएं। देखिए आप ऊपर एक कैमरे के माध्यम से आप देख पा रहे हो मेरे साथ कि ऊपर जो व्यक्ति हैं वो गोल गोल आड़े होके मतलब कि उल्टा होके घूम रहे हैं। आप देखिए मेरे साथ, आप देख रहे हैं, थोड़ा फिर जड़ जाओ, पुलिस प्रशासन का सहयोग कीजिए, जितना आप सहयोग करेंगे हमारे लिए फायदा रहेगा। आप देखिए, देखिए आप किस तरह पुलिस प्रशासन का
तहे दिल से धन्यवाद कि वो हमारा कदम कदम पे हमारा साथ देते हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन का यहाँ जितना हम धन्यवाद दें उतना कम है। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर पुलिस प्रशासन का सहयोग कीजिए। ये हमारे मेहमान हैं, सांगोद की जो आम जनता है उनसे निवेदन है थोड़ा साइड में रहिए, क्योंकि हमारे बीच में पुलिस प्रशासन जो है वो हमारे फायदे के लिए होती है, और जिस तरह से यहाँ पर पुलिस प्रशासन 4-5 दिन के लिए हमारा सपोर्ट करती है, हमें कोऑपरेट करती है, इनका धन्यवाद तो बनता ही है। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि इन्हीं के सानिध्य में ये प्रोग्राम होता है, अगर ये ना रहे तो हो सकता है कि हम जिस तरह से इसको सुचारू रूप से हम करते हैं ये ना बढ़ पाए, क्योंकि बहुत से लड़के ऐसे होते हैं या फिर बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो इसको बिगाड़ने में लगे रहते हैं। तो एक सपोर्टर, एक सहयोग है प्रशासन का कि उसे आप बनाए रखें, आप उसका सहयोग करें, ना कि उन्हें अभद्रता से उनके साथ व्यवहार करें। अब मेरा निवेदन है कैमरामैन से कि वो ऊपर जो गोल गोल करतब दिखा रहे हैं उन पर जूम करें, किस तरह यहाँ पर ड्रोन के माध्यम से और दो कैमरे जो आपको ये पूरी लाइव अपडेट हम आपको बता रहे हैं। देखिए आप, इसके बाद इससे भी खतरनाक जादू करतब जो आप मेरे साथ देखेंगे कैमरे के माध्यम से। आप देखिए, अब वहां से एक आदमी जो कि धरातल से काफी ऊपर है, कैमरामैन से मेरा निवेदन है कि वो जूम एंड फोकस करके रखें और हमारे जितने भी दर्शक हैं उन्हें ये दिखाएं कि यहाँ की जो कलाकृति है, यहाँ का जो इतिहास है, लोक उत्सव जो नान है वो किस तरह बढ़ता है। ड्रोन के माध्यम से आप देखेंगे हमारे साथ, ये देखिए आप देख रहे हैं मेरे साथ, ड्रोन की सहायता से आप वहाँ पर ये चेक किया जा रहा है कि जो वहाँ से आएंगे उनके लिए रस्सी कंफर्टेबल है या नहीं है, या फिर किसी प्रकार की कोई चूक तो ना हो सकती या नहीं हो, इस वजह से उसको देखा जा रहा है ताकि किसी प्रकार की चूक अगर रह जाती है तो समस्या का सामना करना पड़ सकता है हमें, क्योंकि हल्की सी या गलती भी हमें नुकसानदायक हो सकती है, इसलिए उसका जायजा लेना जरूरी है। देख रहे हैं मेरे साथ किस तरह कैमरामैन दोनों और ड्रोन तीनों लगे हुए हैं आपको पूरा करतब दिखाने में। अगर किसी भी प्रकार का आपको सुझाव देना है हमारे चैनल के बारे में या हरियाणा लोकोत्सव के बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और हमें कमेंट कीजिए। देखते रहिए आरती न्यूज पर। ऐतिहासिक लोकोत्सव नान 2024 लाइव एंकरिंग LR राजोरा के साथ। चेक किया जा चुका है, स्थिति जो है कंट्रोल में है। अब इसके बाद सभी चीज का यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर देखिए आप, पुलिस प्रशासन यहाँ पर ऑपरेट करती है और दूर से यहाँ पर पुलिस आती है,
व्यवस्था देखने के लिए, तो हमारा फर्ज बनता है, हमारे मेहमान हैं, इनसे सही तरीके से पेश आए और इनको कोऑपरेट करते हुए चलें, क्योंकि ये हमारे लिए आए हुए हैं। हम जितना इनको कोऑपरेट करेंगे उतना ही हमारा फायदा रहेगा। क्योंकि पुलिस प्रशासन ही एक ऐसा दायित्व है जो 24 घंटे तक ये नौकरी करते हैं, एक पैर पे खड़े रहते हैं, क्या पता कब किसका फ़ोन आ जाए। तो इनकी जो नौकरी है, इनका जो दायित्व है, हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए और सभी का फर्ज बनता है आप इन्हें कोऑपरेट करें। सांगोद थाने का सभी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। हाड़ोती न्यूज के माध्यम से सभी का आभार यहाँ पर दिया जा रहा है। आप देखिए कि धीरे धीरे यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है। कर्तव्य आपको दिखाए जा रहे हैं। शुभम, सुमन, अगर मेरी बात सुन पा रहे हो, शुभम जी, सुमन, तो उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि कैमरे के साथ छेड़छाड़ ना करें और उसे फोकस में रखते हुए हमारे दर्शकों को दिखाएं कि किस तरह यहाँ का जो कल्चर है हमारा वो किस तरह का है और खाड़े पक्ष और बाजार पक्ष में किस तरह का यहाँ पर माहौल रहता है। आपस में घूमते हुए आपको यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। ये माता जी का आशीर्वाद है इनका, क्योंकि बिना आशीर्वाद के कुछ नहीं होता। हेलो हेलो, ईलो और सीलो हमारे बीच में बहुत ही अच्छा है यहाँ पर। अब कैमरामैन से मेरा निवेदन है कि वो आप देखिए किस तरह यहाँ पर आड़ती न्यूज पर आपको ये सारी चीजें दिखाई जा रही है। और ये माता जी के आशीर्वाद से और देखिए आप सांगो नान लोक उत्सव 2024 में कलाकृतियाँ और यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ की जो परंपराएं हैं, उनसे मैंने आपको रूबरू करवाया है। अब कल की जो है वो पड़त है, मतलब छुट्टी है, 30 और 31 को हम वापस फिर से मिलेंगे आपके साथ। बने रहिए हमारे साथ। महिलाओं में, पुरुषों में, बच्चों में, युवाओं में आप देखिए किस तरह का उत्साह है कि वो अपनी जगहों से हिला नहीं जा रहा है उनको कि क्या पता ऐसा, क्योंकि साल में ये सिर्फ 4 ही दिन है जो ये परंपराएं यहाँ पर सुचारू रूप से शुरू की जाती है, क्योंकि फिर इनके लिए 1 साल का इंतज़ार करना पड़ता है। होली के दूसरे दिन से इसका शुभारम्भ हो जाता है। शुभम जी, आराम है, इधर देखिए, इधर इधर इधर, ये आराम है, ये आराम है, येरा 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 में Thank you.
देखिए आप किस तरह से यहाँ पर लोक उत्सव 2024 के बारे में आपको बताया जा रहा है। पुलिस प्रशासन का आप सहयोग कीजिए, क्योंकि ये बार बार इन्हें बोलना पड़ता है। तो मेरा निवेदन है आपसे कि जितना आप इनको सहयोग करेंगे उतना ही हमारे लिए फायदा रहेगा। देखिए किस तरह से हम दिखा रहे हैं आपको कि धीरे धीरे रस्सी को छोड़ते हुए ये माता जी का आशीर्वाद है। ये देखिए आप, कैमरामैन से मेरा निवेदन है कि वो देखिए आप हाथ से आते हुए और तालियों की गड़गड़ाहट से यहाँ पर अभिवादन किया है उनका। यह नान का आज समापन है। इसके बाद हम पुलिस प्रशासन का यहाँ पर धन्यवाद करते हैं कि उनके सहयोग से जो ये नान है वो भरा जाता है। पुलिस प्रशासन का यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने टीम को संभाले हुए हैं और सांगोद वासियों का ये सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं। बस फिर से आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पर वापस फिर से एक बार आपको उसी इसका एक स्लोगन है, ये खेल तमाशो मत समझो, ये पुरखों की अमर निशानी। ऑपरेट करते हुए अब उसी रस्सी पर उल्टे लेटकर और आते हुए आप देखिए मेरे साथ। ये एक आशीर्वाद है माता जी का, जिनके आशीर्वाद से सारा काम और ये सारा जो नान है उभरा जाता है। देखिए आप, बहुत ही अच्छा यहाँ पर प्रयास जो यहाँ पर प्रयास है आ रहे हो मेरे साथ, दोनों हाथों में लकड़ी जलाकर आप देखते रहिए मेरे साथ।
आड़ू न्यूज कैमरामैन शुभम सुमन रोहित शर्मा गानेड़ा जो आपको लाइव अपडेट दे रहे हैं कैमरा और ड्रोन के माध्यम से लाइव एंकरिंग एलआर राजोरा के साथ। तालियां अभिवादन लोगों का यहां पर इस तरह बहुत अच्छा यहां पर प्रयास कि अब पुलिस प्रशासन के जो यहां पर हमने यहां पर धन्यवाद ज्ञापन दिया है पुलिस प्रशासन का कि वो हमारा सहयोग ऐसे ही करते रहें जितनी भी आगे जितने ही शुभम सुमन Thank you.
जगत ब्रह्मणी राज रानी शोभा देख सांगोदमाई रुद्र कपालिनी भाग्य विदायनी अंग अंग विभिन्न तरंग रूप सुसुहावनी करत काम प्रथम सुपुजवाईर बिचिया कुंडल सुश्रृंगार भयो अति सुखदायनी ऐसी महारानी ब्रह्मणी राज रानी जबर मैया कीजिए बाल मतवालो रीति सिद्धि को प्यारो प्रथम काम करता सुपुजवाई और बुद्धि सो जीत लियो जग सारो जीका पाचा बुद्धि दाता कलवायो र एक दंत बुद्धि अनंत सु सुखी सुहावड़ो जाकी देख गणपत की कोई और न कर पायो र ये बोलो बोलो ने मैया कीजे ये थे हमारे चांदना चांदनी जिन्होंने आपको सुनाया। अगले ही पल में दूसरे चांदना चांदनी हमारे बीच आप लोगों के समक्ष फूलन की माला फूलन की बिछिया फूलन की पाइजे बाजेती नरिये फूलन के लंगा में लगान लगी फूलन की फूलन के हंगवा गले बिच तारिये फूलन की साड़ी में लगान लगी फूलन के हरवा गले बिच तारिये और कहत कवि सुनो रे सब आज राधिका के बदन में फूले फुलवारी है। जय करनी माता की। इसी के बाद तीसरे चांदना चांदनी आप लोगों के समक्ष आप देखिए ब्रज को बसायो सुन नंद को कहायो कीनो इंद्र धारी कंस को पधारो है यशोदा को सारी मुख से कहे मतारी आचरी एच बारी पापी पूतनी पधारी गोपियों को तारी यश किनो मुरारी तीनों ब्रज को रखवारे वहां पे मुख पर गिरधारी आश्रोती है। ये थे हमारे साथ चांदना चांदनी जिन्होंने आपको अपनी भाषा में स्लोगन या इनके पीछे का जो पुराना इतिहास और कल्चर है उसके बारे में आपको बताया होगा। जान तो आपको समझ में नहीं आया होगा, समझाएंगे धीरे धीरे। चांदना चांदनी देखिए कत्तिके नैन नेगिन के आप दर जोगिन के दो बिन के दो इन श्याम बने पठानी के पटवी के पटीले कटीले सुनारी के और सोसो आने के नैन बने मिनियानी के कंजरी के कजा के लड़ा के कुमारी के अब मालिन के जिलन से रस भरे तमोलिन के बरे नैन जाटिन के और खूनी नैन सतरानी के और नैनों में नैन श्री राधिका राज रानी के। जय करनी माता की। रंडवा एक गजब का देखा रंडवा एक गजब का देखा निदुड मंदिर जाए रोज और हाथ जोड़ कर करे प्रार्थना सुन जो भगवान कान लगाए मारी लुगाई मर गए भगवान मारी लुगाई मर गए भगवान दूजो ब्याह रचाए जाए या तो सबको करो बराबर या तो सबको करो बराबर सबके सब रंडवे हो जाए काल के माही कुतिया रोवे और गद्दो रोवे बन मिसाद राधी राधे रंडो रोवे सुन सुन पायल की जनकार। जय करनी माता। बहुत बहुत धन्यवाद। ये स्वरूप और जो सांग है वो चांदना और चांदनी का है। इसी आगे की कड़ी में एक और चांदना चांदनी आपके समक्ष जय करनी माता की। जय करनी माता की। जय करनी माता की। लसत अमंद मन लसत अमंद मन हसत मुखारविन सोए पीद पटगले बनमाल है दाएं हाथ में बांसुरी दाएं हाथ में बांसुरी बाएं में लकुट लिए पवन में घुंघरू अलबिली चाले अलके अलोल लोल
अलके अलोल लोल कुंडल कपोल गोल सोए मोर पंखन को मुकुट विशाल है कोटि मन में निवारो ब्रज में उत्पन्न भयो नंद जी को लाले जय करनी माता की। हमारे साथ हैं राजस्थान पत्रिका से भगवती जोशी जी जो कि राजस्थान पत्रिका न्यूज चैनल और पेपर का एक काम करते हैं ये मीडिया से। तो हमें बताइए जोशी जी हमारे दर्शकों को कि नान जो बढ़ता है इसके पीछे की क्या परंपरा है? ये आठ दिन का पाँच उत्सव लोकोत्सव का दो दिन पूरा हो चुका है। अब देखते हैं कि अगर ऐसा ही माहौल रहा तो नान की परंपरा और आगे बढ़ेगी। ये अंतर्राष्ट्रीय नान की ख्याति में नाम से जाने जाने लगा है। पाँच दिवसीय लोकोत्सव का दो दिन का नान संपूर्ण हो गया है। अब कल पड़त रहेगी, उसके बाद में नान अखाड़ा चौबे पाड़े का दो दिवसीय नान का आयोजन होगा। अच्छा मुझे बताइए कि जो सवारियाँ आती है जो सांग आते हैं ये किस रूप में आते हैं और क्या क्या बन के आते हैं और क्या मैसेज देते हैं? इसमें ये साठा का सांग, ये जो राजनेताओं के ऊपर सांग जो सांग चल रहे हैं ये बहुत कुछ लोकप्रिय भी है, कुछ ऐसे मनोरंजक से भी है, तो कुछ अश्लीलता भरे भी है। तो अश्लीलता भरे हुए कम होना चाहिए और इसको राजनीतिक और लोक भावना से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जो सॉन्ग आते हैं वो ठीक है, अच्छे आते हैं, मगर कुछ सॉन्ग ऐसे आ जाते हैं जिनको महिलाएं देखने में ना कुछ ना पसंद रहती है। दोनों पक्षों की अगर मैं बात करूँ काड़ा पक्ष और बाजार पक्ष, तो दोनों में से कौन अच्छा? बाजार वाले अच्छे हैं, लोकतांत्रिक कारण है, अच्छी वेशभूषा और सौंदर्यकरण और लोक कलाकृति पुराने जमानों से चली आ रही परंपरा को देखते हुए आज भी निर्वाह कर रहा है सांगोद और आधुनिक मॉडल की ओर अग्रसर है। अगर मान लो कर हमारे जो युवा हैं अभी की जो नई पीढ़ी है उन्हें हमारे जो कल्चर के बारे में अगर हम मैसेज देना चाहें तो किस तरह देंगे? बोल 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 हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उन्हें हम हमारे इस कल्चर के बारे में किस तरह बता सकते हैं? मैं ना हो यार। ठीक है चलो कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए मेरे साथ आरओटी न्यूज लाइव एंकरिंग एलआर राजोरा, कैमरामैन शुभम सुमन, रोहित शर्मा गनाड़ा। हमारे बीच आ चुके हैं पुनीत जी। पुनीत जी हमें ये बताइए कि हमारा जो नान का जो कल्चर है अधिक समय से आप यहाँ देख भी रहे हैं तो हमारे जो सांगोद की आम जन है जो हमारे चैनल पे यूट्यूब चैनल पे जो हमारे जो गणमान्य सदस्य हैं या हमारे जितने भी मेम्बर हैं जो भी देख रहे हैं उन्हें आप किस तरह मैसेज देना चाहेंगे? नान बहुत अच्छा महोत्सव है, लोक महोत्सव है, इससे बहुत कुछ हमारे को सीखना मिलता है। ये एक एकता का भी दिवस है जो पाँच दिन का चलता है और काफ़ी अच्छे यहाँ पे सॉन्ग देखने को मिलते हैं। लोग छोटे छोटे बच्चे उमराव बन के आते हैं, काफ़ी दूर से लोग दूर गांव-गांव से लोग आते हैं इसको देखने के लिए, जिससे लोगों को रोजगार भी मिलता है और मनोरंजन का भी बहुत अच्छा साधन है। और हमारे दर्शक ये भी जानना चाह रहे हैं कि इसमें दो पक्ष हैं, खड़ा पक्ष और बाजार पक्ष, तो दोनों में से सबसे बढ़िया कौन बढ़ता है इसमें? नहीं देखो दोनों की अपनी अपनी महत्ता है, ये तो देखने का नजरिया है, दोनों ही अपने अपने आप में बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग लेके आते हैं, बहुत अच्छा बढ़ता है, ऐसी कोई बात नहीं है। आज आपको कौन सा सॉन्ग अच्छा लगा? आज मेरे को वो लुटती रियासत। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि सर ने बताया कि दोनों आपस में अपने अपने कल्चर के ऊपर ही काम करते हैं और दोनों ही ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते हैं और अपने सांग को अच्छा बताने का प्रयास करते हैं, एक अच्छा मैसेज देते हैं। दो दिन के लिए जब से नान शुरू होता है होली के बाद से चार से पाँच दिन का ये रहता है, उसमें दोनों पक्ष अलग अलग रहते हैं और दोनों ही पक्ष आपस में ये मानिए कि एक दूसरे को अच्छा और बहुत अच्छा कौन साबित करता है उसके बारे में लगे रहते हैं। अच्छे अच्छे यहाँ पर कलाकृतियाँ दिखाई जाती है, नाटक दिखाए जाते हैं और बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग यहाँ पर लाए जाते हैं और उनके पीछे एक मैसेज होता है। देखते रहिए मेरे साथ लोकेश राजोरा हार्ड ऑफ द न्यूज कैमरामैन सुमन सुमन।
देखा आपने मेरे साथ, आप देख रहे हैं मेरे साथ हाड़ोती न्यूज नान लोकोत्सव 2024 का आज द्वितीय दिवस था, जिसका समापन होने जा रहा है। कल का यहाँ पर पड़त रहेगी और 29 को छुट्टी, 30 और 31 को हम आपस सुचारू रूप से मिलेंगे। हाड़ोती न्यूज सांगोत जो कि आपको लाइव दिखा रहा है, अगर आपको किसी भी प्रकार से हमें अगर कुछ सुझाव देने तो कमेंट बॉक्स में जाएं और हमें सुझाव प्रदान करें। एक जरूरी सूचना, अगर आपको सांगोद के आसपास कहीं भी गोवंश या गोमाता ऐसी दिखाई दे जो एक्सीडेंट हुआ हो या किसी कारण से बीमार हो, तो कृष्ण दरबार सेवा संस्थान में जाएं और वहां जाकर हमसे संपर्क करें। कृष्ण दरबार सेवा संस्थान गायों का निःशुल्क उपचार करते हैं और गौ सेवा, जल सेवा इत्यादि कार्यों को करते हैं। बने रहिए, हंसते रहिए हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। इसी के साथ साथ स्टडी जोन क्लास है जिसमें आप स्टडी जोन क्लास है, आइए वहां पर और अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए एक किताब लिखते हैं। स्टडी जोन क्लास है होलिका चौक सांगोद, डायरेक्टर पियोस राठौर। हमारे साथ जो नान की टीम है वो आ चुकी है, हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आज जो आप नान बने हो वो किसका गेटअप लिया आपने? हम कलाकार करते हैं जादूगरी का, जो आपने कलकत्ता से जो जादूगर आए, जादूगरने आए, उन्होंने सांगोद में आके जादू करा। बाकी उनका जादू हमने ले चलने थे, हमारे बड़े बूढ़े ने, बुजुर्ग ने, उनको यहाँ पे रख लिया। वो कलाकारी हम देते हैं, बिल्कुल जादू से काम करते हैं। कितने सालों से आप काम कर रहे हैं जी? कितने सालों से कर रहे हैं? हमें कम से कम 10 साल हो गए, और बच्चे लोग तो ट्रेनिंग लेते हैं हर साल को। बाकी किसी को 5 साल हो गया, किसी को 8 साल हो गया, किसी को इस साल ही उतारा हमने। अनुभव आपका बहुत बड़ा है।
अनुभव आपका बहुत ज्यादा है। हाँ जी। अगर मैं इसी अनुभव की बात करूँ आपसे जी, तो हमारा जो नान है, जो हमारा इतिहास है यहाँ का, काफी पुराना है, 500 से 600 साल बताया जाता है। लेकिन उन जो हमारा कल्चर, जो पुराना कल्चर था, अभी के युग में नया जमाना आ गया, तो इन दोनों में क्या ऐसा है जो टेक्नोलॉजी, जैसे इंटरनेट पे जो चलता है टेक्नोलॉजी, हम हर साल चेंज करते हैं उसको, कभी क्या आइटम देते हैं, कभी पलट कर देते हैं, हर साल आइटम चेंज करते हैं हम। कलाकारी वही रहती है भाई, आइटम चेंज कर देते हैं। अच्छा, मैं एक सवाल और पूछना चाहता, हमारे दर्शक ये जानना चाह रहे हैं कि जितने भी यहाँ पे सांग बन बन के आते हैं जी, वो किस चीज का मैसेज देते हैं आप? मैसेज हर सांग अलग अलग कलाकार होते हैं, कोई पागल का रोल होता है, कोई भाणमाती का रोल होता है, और जो स्पेशल लाव पे आता है वो अलग ही होता है, वो उड़ान का होता है, हनुमान जी का होता है, हनुमान जी का रोल होता है, बिल्कुल रस्से पे आता है जो। आपका नाम? लोकेश सुमन। आप कितने साल से ये नान लोकोत्सव में अपना भाग दे रहे हैं? कम से कम 5 साल से। 5 साल से ये इसी गेटअप में? हाँ। राजेश कुमार, राजेश कुमार। आपको कितने साल हो गए? मेरे को 9 साल हो गए। आपको? मैं 3 साल हो गए मेरे को, मैं हर साल इस पे लाव पे आता हूँ। 2 साल हो गए मेरे को। तो देखा आपने, हमारा जो इतिहास है वो काफ़ी पुराना है, और यहाँ पे जो हमारे जो नान का लोकोत्सव शुभारंभ करते हैं, यहाँ पे जो कलाकृति दिखाते हैं, किसी को 9 साल, किसी को 10 साल, और किसी की पीढ़ियाँ गुजर गई है, तभी हम बोलते हैं कि इसे नान तमाशो मत समझो, ये पुरखों की हमारी निशानी है, और ये जो निशानी है पुरखों की ये सही है, क्योंकि इसमें जो पुरखों की जो निशानी है इसी को बताया जाता है, तभी हम कहते हैं कि 500 से 600 साल हो गए नान को पढ़ते हुए। देखते रहिए मेरे साथ लोकेश राजोरा। हमारे बीच में आ चुके हैं आज का जो हमारा देश के भविष्य हैं, वो हमारे बीच आ चुके हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं। बेटा आपका नाम बताओ? सृष्टि गौतम जी। हमें ये बताइए हमारे दर्शकों को कि आपको आज कौन सा वो राजशाही ठाट का था ना, वो जो ऊंट पे बैठ के आ रहे थे, वो चांदना चांदनी? चांदना चांदनी नहीं, वो दूसरे वाले, उमराऊ। उमराऊ? हाँ, उमराऊ। बुढ़िया को उमराऊ ज्यादा पसंद आए। आपका नाम? भूमि गौतम। हमें ये बताइए कि आपको आज नान में कौन सी चीज अच्छी लगी? सभी अच्छा लगा, सबसे अच्छी तो ये सांगा पटेल जी की जो थी। आप? अंशिका गौतम। आप मुझे बताइए आज के नान में आपको क्या अच्छा लगा? मूठ वाला जो सांग होता है वो। आप तीनों से मेरा सवाल है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है या जो आपकी उम्र के जो हैं, उन्हें आप किस तरह मैसेज देंगे इसके बारे में? यही कि नान तो हमेशा देखना चाहिए, हम कोटा पढ़ते हैं लेकिन हम यहाँ स्पेशली नान देखने के लिए आए हैं, और ये अपनी संस्कृति को जागरूक कर, मतलब जाग के रखता है कि भाई अपना कल्चर खत्म ना हो, इसलिए सबको देखना चाहिए, सुबह की भवानी तो देखनी चाहिए। नान देखने के लिए हम हमेशा से एक्साइटेड रहते हैं, और आगे भी हमारी आने वाली पीढ़ी को भी रहना चाहिए। आप किस तरह से क्या हमारी जो पीढ़ी है अभी आपकी उम्र के जितने भी हैं, आप उन्हें इस हमारे नान के बारे में किस तरह मैसेज देंगे, किस तरह बताएंगे? अच्छा है, बढ़िया, हमारी संस्कृति को बहुत आगे, मतलब सांगोत का नाम भी काफी, नान की वजह से सांगोत फेमस है, मतलब। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इन्होंने बताया हमें कि हमारी जो संस्कृति है उसे बचाने के लिए हम अथक प्रयास करेंगे, और आने वाली जो भावी पीढ़ी है या हम इनके बराबर जो हैं, इनकी जो पीढ़ी है, इनकी उम्र की जो हैं, उनके बारे में ये उनको सुचारू रूप से बताएंगे, और हमारे जो नान लोकोत्सव है उसके बारे में ये उनको बखान करेंगे।
आपका नाम बताओ पहले। मेरा रोहित नाम है। आप कितने सालों से सांग देख रहे हैं? मुझे दस साल हो गए। दस साल, दस सालों से, दस सालों। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, दस साल, दस सालों में जब आप सांगोद में आते हो तो यहाँ की जो आम जन, यहाँ की जो जनता है, उसका और आपका व्यवहार किस तरह का रहता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत एक नंबर। हमें बहुत अच्छा लगता है, दस साल हो गए हमको, ये हमारी इच्छान है। अजीब सा मतलब अच्छा लगता है हमको। 12 महीने में एक बार आता है, बहुत सारे किन्नर लोग आते हैं, डांसर आते हैं, एक से बढ़ के एक कलाकार आते हैं। और हमारी दीदी, दीदी हेलो, हेलो, ये हमारे जोधपुर से आए। आपका नाम बताओ। श्वेता नाम है। हाँ, अब मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप कितने सालों से आ रहे हो? मैं बम्बई से हूँ। अच्छा, मुझे बताओ यहाँ आके आपको किस तरह? बहुत अच्छा लगता है मुझे। क्या मैसेज देना चाहते हो यहाँ की जनता को? मैं तो 3 साल से आ रही हूँ। यहाँ की जनता को आप किस तरह मैसेज देना चाहते हो? यहाँ की जनता को आप किस तरह मैसेज देना? मतलब अच्छे से रहो, छेड़खानी मत करो, अच्छे से डिसेंट रहो, थोड़ा वो मैं बोलना चाहती हूँ बस। बाकी अपना ख्याल रखो, अच्छे से रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे मेहमान है जिन्होंने बताया कि यहाँ के हमें बहुत ही अच्छा लगता है। बने रहिए मेरे साथ। आगे की कड़ी में हम चलते हैं। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों का आपका नाम बताओ। वैदिक गौतम। हमें बताइए कि आपने आज जो नान देखा उसमें आपको कौन सा सांग अच्छा लगा? सांग तो वो जो मोसाले वाला था वो अच्छा लगा। वो अच्छा लगा, शादी वाला। अच्छा, कितने साल से आप सांग देख रहे हैं, नान देख रहे हैं? 15 साल तो हो गए मेरे को। कितने साल? जब से समझ आई है 15 साल तो हो गए। 15 साल जब नान देख रहे हैं, 15 साल में ऐसी कोई चीज है जो इस नान में मिस की हो? इस नान में ऐसा तो कुछ नहीं था, सब कुछ वैसा ही था, बस थोड़ी वल्गैरिटी बढ़ गई, अश्लीलता बढ़ गई। अगर मैं कोरोना की बात करूँ तो कोरोना में 1 से 1.5 साल ये बंद था, क्योंकि कोरोना में लगभग सब भारत पूरा बंद था, ऐसे आयोजन हो नहीं पा रहे थे। हम कोरोना के बाद जब वापस आए तो किस तरह रुझान रहा लोग? उत्साह बढ़ चुका है लोगों का, भीड़ भी बढ़ी है, और जो सांग की क्वांटिटी है उमराव भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। जैसे इस टाइम तक जो बादशाह जी थे वो यहाँ बैठ जाते थे, पर अभी आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं, उमराव मतलब बहुत ज़्यादा बना है। आपकी जो बराबर के लोग हैं, आपके जो साथ के युवा, उन्हें आप इस नान के बारे में किस तरह मिसे? उससे आप हमारे नान के बारे में किस तरह और क्या मैसेज देना चाहेंगे? उन्हें यही बताएंगे कि ये मतलब हमारी संस्कृति है और ये हजारों सालों से चलता आ रहा है ऐसा ही, और यही इसी से पहचान है सांगोद की, ऐतिहासिक नगरी कहते हैं इसको। तो हमें ये बताइए सर कि हमारे यहाँ की जो भावी पीढ़ी है, अभी की नई पीढ़ी जो भी है, उन्हें हमारे नान के बारे में, हमारे कल्चर के बारे में किस तरह समझा सकते हैं? नवयुवकों से मेरा यही निवेदन है कि इस जो अपनी परंपरागत जो विरासत है नान, इसमें अपनी भागीदारी बढ़ चढ़ कर निभाएं। ये हमारी परंपरा बहुत शानदार परंपरा है, इससे हमारा सामाजिक और सांस्कृतिक जो विकास है वो नई पीढ़ी को अपने हाथों में लेना चाहिए और इसे आगे बढ़ाना चाहिए। मेरा एक और सवाल है, हमारे दर्शक ये जानना चाह रहे हैं कि पहले के जो गाने चलते थे, नगीना मेरा घूम गया रे और क्या ये लोता की चाबे कोचियाँ बोले शंकर रे, आज जो गाने कहीं ना कहीं लुप्त हो गए, तो इसके पीछे हम कारण किसको बता सकते हैं? देखिए, परिवर्तन तो विकास का आधार है, परिवर्तन तो आएगा लेकिन इसके साथ हमें चलना पड़ेगा। पुराने को ना भूल कर इतिहास की नींव पर अपन को वर्तमान को रखना है, तो परिवर्तन जो है इसको स्वीकार करना पड़ेगा। थैंक यू सर। हमें ये बताइए, हमें आपसे ये जानना है कि हमारा जो इतिहास है वो काफ़ी पुराना है, तो इस इतिहास को जीवित रखने के लिए हमें और ऐसे क्या काम है जो करने पड़ेंगे? अगर हमें
ये लोकोत्सव हमारी संस्कृति को जीवित रखना है। तो एक तो ये जो बहुत क्लाउड म्यूजिक जो डीजे चल रहे हैं, ये डीजे लिमिटेड आवाज में रहना चाहिए। ये बहुत तेज आवाज में बजते हैं, इसकी वजह से जो लोक कलाकार हैं वो स्वांग जो बात कर रहे हैं वो सुन नहीं पाता कोई, तो इसको सीमित मात्रा में करना चाहिए। अच्छा, हमने अभी सुना है जो भी यहाँ पे आए हैं उनसे हमने जाना है कि हमारे जो इतिहास है यहाँ पर काफ़ी पुराने पहले जादूगर आया करते थे, वो क्या बात है, मतलब किस तरह आते थे, उसका क्या चलन था? ऐसी लोकोक्ति है कि बाहर के कोई जादूगर एक बड़ के पेड़ पर बैठ करके और यहाँ नान देखने के लिए आए थे, तो उन्होंने यहाँ सांगोद में उस बड़ को स्थापित किया और उस पर से नान देखा। और बाद में ऐसा कहा गया है कि जो सांगोद के जादूगर थे उन्होंने अपनी क्षमता से अपनी जान तेरी से उस बड़ को वापस नहीं जाने दिया, और वो बड़ आज भी सांगोद में स्थापित है। और ये इस बात को प्रकट करता है कि सांगोद में बड़े बड़े जादूगर हुआ करते थे। कोई भी ऐसा तथ्य या ऐसी कहानी जो आपको याद हो तो हमें बताएं दर्शकों नान के बारे में। ये ज़्यादा मेरे को जानकारी नहीं, ऐसी कोई स्टोरी या ऐसी कोई कहानी जो आपको पता हो नान के बारे में तो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। नान की तो बहुत सारी कहानियाँ हैं, पर अब एक विशेष कहानी जो याद आती है लाख की। एक बार वो जो गायल जो फुड़ाते हैं तो उसमें एक बच्चा जो है काफ़ी एक्साइटेड हो गया था और जैसे उसकी फोड़ी गिर रही थी तो अनकॉन्सियस हो गया। तभी एक जो जानतेर था उसने ब्रह्मणी माता का नाम लिया और जय बोली, एकदम से उस बंदे में एकदम से जान आ गई और सचेत हो गया और तुरंत खड़ा होकर बिल्कुल रेडी। ये था हमारे इतिहास जिसकी हम बात कर रहे थे। ये एक कहानी और सुनते हैं जो इतिहास है और सच्ची घटना पर आधारित है। एक और वाक्य मेरे को याद आता है, सत्यवान जोशी, जोशी परिवार से हैं, जो माँ ब्रह्मणी का स्वरूप बना था वो उसको कोरोना पॉजिटिव आया और बहुत ज़्यादा सीरियस हालत में चला गया। यहाँ से जयपुर गया, जयपुर महात्मा गांधी में एडमिट रहा, वहाँ पर उसकी ऐसी पोजीशन आ गई थी बिल्कुल जैसे बस लास्ट, पता नहीं वहाँ पर उसको एक ऐसा मूवमेंट उसके उसमें आया कि जाने कहाँ से उसके दिमाग में ब्रह्मणी माता का वो आया और उसने भरे जो होता है मेडिकल का जो होता है रूम उसी में जोर से उसने जयकारा लगाया ब्रह्मणी माता की जय। पता नहीं उसमें वो उस वक्त जब वो जयकारा लगा रहा था वो खुद अपना अनुभव बताता है कि उसी वक्त मेरे पूरे शरीर में प्राण वापस भुग गए और जो ऑक्सीजन लेवल मेरा डाउन चला जा रहा था वो वहीं से प्लस होना शुरू हो गया और थोड़े दिनों में वो वापस विड्रॉ करने आ गए। बहुत धन्यवाद सर। ये जितने भी हम वो बातें कर रहे हैं ये सच्ची घटनाओं पर आधारित है, क्योंकि हमारा जो इतिहास है करीब 500 से 600 साल पुराना है, तभी हम कहते हैं कि इसे नान अखाड़ा चौबे पाड़ा। और ये खेल तमाशो मत समझो, ये पुरखों की अमर निशानी है। इसी का सबूत है कि जो सर ने हमें बताया दो घटनाएं जो सच्ची घटनाओं पर आधारित है। इसके साथ ही हम चलते हैं राजा जी के पास जो आ चुके हैं बादशाह जी, उनसे हम कुछ सवाल करेंगे आज के बारे में कि इनकी क्या परंपरा है, किस तरह ये राजा बनते हैं, इसके पीछे का क्या इतिहास है। ऐतिहासिक परंपरा के अनुसार राजा जी को लोकेश राजूरा का प्रणाम। हमारे दर्शक आपसे जानना चाह रहे हैं कि राजा जी जो हम बनते हैं उसके पीछे क्या परंपरा है। हम जो राजा बनते हैं इसके पीछे क्या परंपरा है? ये पहले से पुरानी सदी से चला रही है आ रही है, हमारे दादाजी परदादाजी बनते थे, अब मैं बनने लगा हूँ उनकी जगह। 55 साल बाद उन्होंने मेरे को गद्दी संभाली। सांगोद वासियों को आप यहाँ से क्या मैसेज देना चाहोगे नान के प्रति? ये लोक संस्कृति है, ये ऐसे ही चलती रहेगी सालों साल, 500 साल पुराना नान है, आगे भी चलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर ने बताया राजा जी ने कि सांगोद वासियों को मैं मैसेज देना चाहते हैं कि रहे और आगे बढ़ती रहिए, देखते रहिए मेरे साथ सांगोद नान लोकेश राजोरा के साथ लाइव एंकरिंग। Thank you.
जानत हेलो यहाँ की जो सुबह की जो भवानी निकलती है, जो उनका स्वरूप निकलता है, वो आपको कैसा लगता है और उसके पीछे क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो तो मतलब साक्षात ब्रह्माणी माई अपने दर्शन देने आती है और आज भी
जो लड़की थी मतलब मेरी फ्रेंड ही है वो, उसको ब्रह्माणी माता उसके अंदर आई थी और वो बिल्कुल ठीक है। मतलब उस वक्त उन्होंने अपना विकराल रूप ले लिया था लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है। माता जी का ये आशीर्वाद है कि वो अपने दर्शन देके जाती है लेकिन फिर उसको कुछ नुकसान नहीं पहुँचता। उस आजू भवानी बनी थी, उन्हें देखकर इतना भाव विभोर होने वाला भाव हमारे मन में आ रहा था क्योंकि उनको देख के ना घूसबंद आ रहे थे। नान का बेस्ट पार्ट है सुबह की सवारी, उसी को देखने के लिए मतलब हम लोग इतने उत्सुक रहते हैं। और धन्य है हम और धन्य है सांगोद की भूमि जहाँ पे माता जी साक्षात आकर अपना आशीर्वाद हमें देके जाती है और अपने साक्षात दर्शन हमें करवाती है। आपको भी अगर माता जी के दर्शन करने हैं तो जैसे इन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पर साक्षात माता जी दर्शन देने आती है तो अपने कमरों से उठिए और अभी दो दिन बाकी है, दो दिन आकर माता जी के दर्शन कीजिए। देखते रहिए मेरे साथ आरती न्यूज लाइव प्रोग्राम। जैसा कि आपको पता है कि नान आज का करीब समापन की ओर है, हमारे बादशाह जी हमारे सामने बैठे हुए हैं, बाजार पक्ष का आज समापन है, कल जो है छुट्टी रहेगी जिसे हम पड़त के नाम से जानते हैं, उसके बाद 30 और 31 हम सुचारू रूप से मिलेंगे। आरती न्यूज पर जिन्होंने भी हमें ऐड दिए हैं उनका दिल से धन्यवाद। मैं क्रम से नाम लेता हूँ संस्कार, और इन लोगों की वजह से ही हमारा लाइव करना मुमकिन हो पाया है कि इन्होंने हमें सहयोग और हमें कोऑपरेट किया है इतना, और जितनों ने भी हमें ऐड दिए हैं ये लाइव का प्रोग्राम उन्हीं की वजह से ही आज संभव हो पाया है। तो मैं एक एक करके उनके नाम लेता हूं और उन्हें दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारे ऊपर इतना भरोसा किया। संस्कार एकेडमी मनोज जी शर्मा, स्टडी जोन क्लासेज पीयूष जी राठौर, प्रेम जी गोचर सरपंच विनोद, ऊर्जा मंत्री जी हीरालाल सम्माननीय, समाज सेवी मनोज जी शर्मा दिल से धन्यवाद, आधार कला सेज सीपी जी नागर, तनुज जी गौतम, सरपंच मेघाजी गौतम, तरुण भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल गजानन जी गोड, महावीर जी मेहता, मेथड टेक्निकल सोलर धनराज जी मावा ब्रेकर्स, शिव शक्ति चारू वैष्णव, स्वागतम रेस्टोरेंट भुनेश जी चाचा धन्यवाद, रवि स्टूडियो सांगोद द रवि स्टूडियो सांगोद, शर्मा ड्रॉप्ट एंड डिजाइन ज्योतिबाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामावतार जी, असरार जी अहमद रामावतार जी वर्मा, कुशल पाल सिंह जी गानाड़ा, विपिन जी नंदवाना और भी हैं जिन्होंने हम पे भरोसा कर इस नान को आपके समक्ष रखा है और उन्हीं के सहयोग से आज हम आम जन के पास पहुँचे हैं। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, आभार कि आप लोगों ने हम पे विश्वास किया और यही इसी भरोसे के साथ आज आप देख रहे हैं कि धीरे 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 करके आज हम 51,000 तक पहुँच गए हैं। हम आशा और अपेक्षा करते हैं कि हम 1,000,000 तक पहुँचें और 1,000,000 से 1.5 मिलियन, 10 मिलियन, 1 करोड़ तक हम पहुँचेंगे। आपका सहयोग और आशीर्वाद रहा तो देखते रहिए मेरे साथ आरती न्यूज लाइव सांगोद। हमारे साथ बपौर से ताई जी हैं, हम इनसे जानते हैं कि यहाँ का नान इनको कैसा लगा। अच्छा लगा, यहाँ से जाने के बाद आप लोगों को क्या मैसेज? अच्छा लगेगा। आज आपको कौन सा सांग अच्छा लगा? अच्छा लगा, इनको सभी अच्छे लगे हैं।
कुल मिला के जो हमारा नान है वो सबको कहीं ना कहीं अच्छा लगता है और सबके दिलों में वो राज करता है, ऐसे ही वो राज करता रहेगा और जितने भी हमारी परंपराएं वो लोगों तक ऐसे ही पहुँचेगी धीरे धीरे। बने रहिए हमारे साथ आरती न्यूज सांगोट नान लोकोत्सव। आपका नाम क्या है? युग पंकज। आप बताओ क्या कह रहे थे आप? हाँ क्या कह रहे थे आप अभी? बहुत अच्छा लगता है मुझे आपको देखकर। मुझे देखना बहुत अच्छा लगता है। हाँ। सही बता? सही में। थैंक यू। छोटा बच्चा बोल रहा है कि मुझे आपको देखना बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू, थैंक यू, बाय। गणेश कुंज नवयुग मंडल सांगोत विपिन जी ननवाना बहुत बहुत आभार धन्यवाद। गौतम आयरन स्टोर सांगोद, कृष्ण दरबार सेवा संस्थान जो कि आज सांगोद में बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है और करती रहेगी और करती आ रही है। करीब कोरोना के बाद से ही उन्होंने अच्छा अपना एक सेवा का काम, एक जिम्मेदारी ले रखी है जो वो बखूबी निभा रहे हैं और आशा और अपेक्षा करता हूँ कि वो धीरे धीरे ऐसे आगे बढ़ते रहें और अच्छा काम करते हुए गायों की मदद करते हुए गौसा जल सेवा करते हुए और असहाय बच्चों का वो बहुत अच्छा ध्यान रखती है, तो उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद सारी टीम की तरफ से कृष्ण दरबार को। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपक सोनी। दीपक जी सोनी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आज ये प्रोग्राम देख पा रहे हैं वो इन्हीं की वजह से, क्योंकि नेट जो है आज जो वाईफाई चल रहा है वो कनेक्टेड है। सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सोनी जी का। पत्थर फिक गए थोड़े से ज़्यादा, पुलिस प्रशासन यहाँ पर लगा हुआ है और वो कदम से कदम मिलाकर सहयोग कर रहे हैं हमारे आज। बने रहिए हमारे साथ, आज का हम यहाँ पर समापन करते हैं और कल की छुट्टी रहेगी, हम मिलेंगे आपको 30 और 31 के साथ नए जोश नए उमंग के साथ। राधे राधे, जय माता दी, जय श्री कृष्ण। आस्ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने घर